ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा। तो रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य पर राम कथा के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अरण्य कांड का अंतिम कुछ बिंदु रह गए। जटायु मोक्षण के पश्चात प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण आगे जा ही रहे थे, अचानक एक असुर ने दोनों को एक एक हाथ में पकड़ लिया। उस असुर का नाम था कबंध और कबंध के हाथ 8 मील लंबे थे। तो श्री रामचंद्र जी ने कबंध के हाथों को काट डाला और तत्पश्चात कबंध को मुक्त कर दिया। एक मुख और एक आँख वाले वो असुर थे लेकिन फिर भी मर नहीं रहे थे। तो राम ने उनको एक गहरे गड्ढे में पूरी तरह दबा दिया और तत्पश्चात जला दिया। और तब उस कदंब नाम के असुर से प्रकट हुए एक विश्ववासु नाम के गंधर्व। और विश्ववासु नाम के गंधर्व वर्णन करने लगे कि वास्तव में उनको अभिश्राप प्राप्त हुआ था और उस अभिश्राप के कारण उनको ये स्वरूप मिल गया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सेवा इस कबंध ने की, क्योंकि कबंध ने राम और लक्ष्मण दोनों को ये बहुत ही गोपनीय बात बताई कि उनकी समस्या का समाधान कहाँ होगा। तो ये 372:11 श्रूयताम राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः
भ्रात्रा निरस्तक्रुद्धेन वालिना शक्रसूनुना। हे प्रभु राम, मेरी वाणी को सुनिए ध्यानपूर्वक। एक वानर है जिसका नाम है सुग्रीव, जिसे उनके भाई ने क्रोधावेश में आके निष्कासित कर दिया। वाली शक्र के पुत्र हैं, अर्थात इंद्र पुत्र, सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं। फिर कहते हैं, ये सुग्रीव आपको कहाँ मिलेंगे? अगले श्लोक में वर्णन आता है, ऋष्यमुके गिरिवरे पंपारण्यांत शोभिते निवसत्यात्मवन्वीर चतुर्भिस्सह वानरैः। पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर अपने चार अंतरंग सहयोगियों के साथ ये वहां निवास करते हैं। तब प्रश्न उठता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अन्य किसी की आवश्यकता क्यों पड़े? सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ, वेदवित, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि भविष्यानि च भूतानि, लेकिन भगवान अपने इस मानव समाज में लीला करते हुए अति मानवीय दैवी गुण होते हुए भी मनुष्य जीवन में किस प्रकार हम सभी को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी और ऐसी अवस्था में कैसे दैव पर निर्भर होते हुए प्रार्थना के भाव के साथ उन चुनौतियों से झेलने का प्रयास करना चाहिए। विपत्तियां जीवन में आएंगी, लेकिन विपत्तियों का प्रभाव संग के स्नेह से झेलने योग्य, सहनशील योग्य बन जाता है। जब तक सफलता हमारे चरणों को चूमती है, तब तक लगता है कि हम अकेले ही पर्वत लांग लेंगे, हम अकेले ही एकांत भाव से झंडा गाड़ देंगे। लेकिन जब जीवन में विपत्तियां आने लगती हैं, तब हमें समझ में आता है कि चाहे व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली क्यों न हो, कितना शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भाग्यशाली क्यों न हो, जब दुर्भाग्य का विषधर भुजंग उसको डंक मारने लगता है, तो इस जगत का कोई वस्तु, कोई ऐप, कोई सोशल मीडिया, कोई व्हाट्सएप संदेश हमको उतना सुकून नहीं दे सकता जितना दूसरा कोई व्यक्ति जीवित जो सहानुभूति के साथ हमारे हाथ पकड़े, आलिंगन करे, आंसू पोछे और हमसे प्रेम के दो शब्द सुनाए। क्योंकि भगवान ने ऐसा ही नियम बना के रखा है। और इसलिए श्रीला सनातन गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु के इतने अंतरंग पार्षद होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु से साक्षात वाराणसी में लगभग 2 महीने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जब कुछ उनको त्वचा रोग जैसा हुआ, जगन्नाथपुरी में आकर वो आशाहीन हो गए, संकल्प किए कि मैं अपना देह त्याग दूंगा, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको देख के कहते हैं कि भाई, देह त्याग करके अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता तो हम कब का देह त्याग कर देते। नहीं, ऐसी अवस्था में जब आशाहीन हो तब उस आशा को प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करो। भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविदा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण धीते धरे महाशक्ति। भजन के अंतर्गत
नविदा भक्ति है जिससे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तौर मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरअपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। नविदा भक्ति के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली है हरिनाम संकीर्तन। निरअपराध भाव से किया जाए वो तुरंत तत्क्षण हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। इसलिए रामचंद्र जी भी इस प्रकार की अवस्था में हैं। और प्रभुपाद जी कहते थे सत्संग का अर्थ क्या है? नाम कीर्तन अर्थात कृष्ण नाम, दूसरा कृष्ण कथा और तीसरा कृष्ण प्रसाद। इसको कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। संग अर्थात एकत्रित, कीर्तन अर्थात सभी मिलकर भगवान से आशा व्यक्त करे, आग्रह व्यक्त करे, प्रार्थना व्यक्त करे। कौन सी प्रार्थना, कौन सा आग्रह? मुझे ऐसी संपत्ति और विपत्ति की परिस्थिति में भी अपनी सेवा में बनाए रखिए। इसको कहते हैं संग कीर्तन, क्योंकि हर एक व्यक्ति के हृदय में कोटि कोटि अनंत कोटि इच्छाएं प्रतिक्षण उमड़ रही हैं। इसी को तो भव सागर कहते हैं। इतने विशाल इच्छाओं के सागर के सतह में जो भिन्न भिन्न प्रकार के कुत्सित इच्छाएं उमड़ रही हैं, आंदोलित हो रही हैं, उनको कौन नियंत्रित करे? और ऐसी भिन्न भिन्न इच्छाओं को एकत्रित करके सभी जीवों को एक इच्छा प्राप्त करना कितना कठिन काम है। तो संकीर्तन का अर्थ ये होता है कि हम अपने हृदय के अंदर के अन्य सभी इच्छाओं को उनकी उपेक्षा करके केवल एक इच्छा मन में पालें, मैं आपकी कैसी सेवा करूं। इसको कहते हैं यज्ञ। यज्ञ अर्थात सैक्रिफाइस, बलिदान। तो किसी को लगेगा बलिदान मतलब लगता है किसी पशु को काटो, बलिदान मतलब लगता है कुछ तो समाप्त हो। तो इस संकीर्तन यज्ञ में किसका बलिदान हम दे रहे हैं, किसको न्योच्छावर कर रहे हैं? तो इस संकीर्तन यज्ञ में हम सभी अनंत कोटि जीव जो इस संकीर्तन यज्ञ में जुड़ गए, इसमें अपना हृदय जोड़ दिया, हम अपने स्वतंत्र भिन्न भिन्न इच्छाओं को तिरस्कृत करते हैं, समाप्त करते हैं, उनका हनन करते हैं। स्वार्थ पूरित इंद्रिय विषय भोग कपोकल्पित मन के आधार पर और विभिन्न प्रकार के बुद्धि से महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की स्वतंत्र स्वार्थी इच्छाओं का जब हम बलिदान देते हैं उसको कहते हैं यज्ञ। इसी को कहते हैं यज्ञ। तो अभी आप सभी लोग बैठकर जो कर रहे हो वो है यज्ञ। वक्ता श्रोता दोनों इस क्षण अगले 3 घंटे कुछ भी कर सकते थे, भिन्न भिन्न कार्य कर सकते थे, भिन्न भिन्न विचारों में लग सकते थे, लेकिन हमने एकत्रित होकर संकल्प किया कि अगले 3 घंटे और ये 9 दिन हम अपने अन्य दूसरे कार्य प्रणालियों को बलिदान देंगे और यहाँ बैठकर श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। उस बलिदान को ही कहते हैं यज्ञ। श्रवण करते समय मन यहाँ वहाँ भागेगा, लेकिन उसको अपन खींच के लाते हैं, केंद्रित करते हैं, इसको कहते हैं यज्ञ। नाम जप करते समय मन भागेगा, उसको कहते हैं यज्ञ। अपने अमेरिका के कैलिफोर्निया में हरे कृष्णा भक्त लोग किसी एक इंडियन फैमिली के घर पे गए। उसने इच्छा व्यक्त की
कि मुझे घर पर कुछ पूजा उजा कराना है। तो उनके पास गए तो पूछने लगे क्या करवाना है, तो कहने लगा कुछ यज्ञ वगैरह करवाते हैं घर पर। भक्त लोगों ने कहा भाई हम लोग तो करताल मृदंग और हरिनाम संकीर्तन वाला यज्ञ करते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो वो फायर वाला यज्ञ चाहिए, तो यज्ञ करेंगे। तो भक्त लोगों ने कहा भाई हम लोग का इतना अभ्यास नहीं है उस यज्ञ में, हम लोग तो सब वेस्ट के हैं, नए नए हैं। बोले नहीं नहीं हमको तो वही चाहिए, हम लोग भारत के हैं, ओरिजिनल वही है। तो बोले ठीक है, तो लेके आ गए भक्त लोग यज्ञ कुंड वगैरह, और यज्ञ शुरू किया। अग्नि उठी ऊपर, और जैसे अग्नि उठी फायर अलार्म बजने लगा। अमेरिका में सब घरों में फायर सिस्टम लगा हुआ है, फायर अलार्म बजने लगा, साथ में स्प्रिंकलर चलने लगा। स्प्रिंकलर चला पानी का तो पूरे घर में पानी पानी हो गया। तो आदमी बड़ा क्रोधित होकर भक्त लोगों को कहा क्या किया आपने, पूरा पानी पानी कर दिया मेरे घर को। तो भक्त लोगों ने गीता निकाल के बताया कि भाई गीता में कहा है जब यज्ञ होता है तो वर्षा होती है, तो आपका यज्ञ सफल हो गया। फिर भक्त लोगों ने कहा इसलिए हम कहते थे कि भाई कलयुग के लिए जो सबसे आसान है, जो हर व्यक्ति घर पर रोज कर सकता है, वो है संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए भट्टाचार्य को है ए मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि ए प्रेम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि कलयुग के लिए विशेष रूप से प्रेम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने अनुमोदित किया है। कलि काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, सही तो सुमेध आर कोलिहत जन। संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिजीवी अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर करता है। आगे अगले श्लोक में कहते हैं तद अवश्यम त्वया कार्य सत्सुहृत सुहृदाम्बर अकृत्वा हीनते सिद्धिम अहम पश्यामि चिंतयन। हे राम हे लक्ष्मण, हृदय के आप बड़े शुद्ध हो, आपको एक बहुत निकट का सुहृद, उनका आश्रय लेना आवश्यक है। अकृत्वा ही नते सिद्धिम, बिना किसी निकट के सुहृद के, सत्संग के, अच्छे संग के, अच्छे सुहृद के, अहम पश्यामि चिंतयन, मुझे ये नहीं दिखता कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे, सीता देवी को कैसे प्राप्त कर पाओगे, ये मुझे दिख नहीं रहा है। तो अब रामचंद्र जी बड़े प्रेम पूर्वक उस गंधर्व विश्ववासु को प्रणाम किए जो कि कबंद के रूप में प्रकट हुआ था, और रामचंद्र जी ने सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन किया। जब हम अपने भक्ति के मिशन में हों, सीता अर्थात भक्ति को खोज रहे हों, मार्ग बहुत लंबा चलेगा और इस मार्ग में कई बाधाएं अड़चने आएंगी, ये मार्ग अनिश्चितताओं से पूर्ण होगा। हम अपनी सीमित क्षुद्र बुद्धि के आधार पर ये निष्कर्ष पर नहीं आ सकते कि ये भक्त मेरे काम का है, ये भक्त मेरे काम का नहीं, ये सेवा उपयोगी है, ये सेवा उपयोगी नहीं। ये परिस्थिति जो भगवान ने खड़ी की है इसका मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं, ये परिस्थिति बड़ा काम का है। हम अपने बुद्धि के आधार पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। श्री रामचंद्र जी का रावण के ऊपर चढ़ाई कर लंका पर विजय में
सबसे बड़ा योगदान रहा सुग्रीव का, और उस सुग्रीव के विषय में जानकारी देने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विषय में दुनिया जानती भी नहीं, कबंद। तो कभी कभी बहुत ही महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं, संकेत, दिशा हमारे जीवन में कई ऐसे लोग कर सकते हैं जिनके विषय में हम सोचेंगे भी नहीं कि इनका मेरे भक्ति के प्रगति में कोई महत्वपूर्ण योगदान कभी रहेगा। जब नम्रता और सहनशीलता और धैर्य के साथ हम हर परिस्थिति को देखते हैं, समझते हैं, आदान प्रदान करते हैं, सम्मान पूर्वक हर भक्त को आदान प्रदान करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे रोचक घटनाएं करवाएगा कि हम कृतज्ञता पूर्वक पूर्णतः अभिभूत हो जाएंगे। आगे रामचंद्र जी जाते हैं और शबरी के आश्रम में। शबरी दीर्घकाल तक तपस्या कर रही थी, मातंग ऋषि के आदेश के अनुसार, शबरी के अपने गुरु मातंग ऋषि के शब्दों पर श्रद्धा थी। 13 वर्ष पूर्व मातंग ऋषि मुक्त होकर देह त्याग कर चुके थे, लेकिन उन्होंने शबरी को आदेश किया कि यहीं बैठकर धैर्य के साथ आप प्रतीक्षा करना, प्रभु रामचंद्र जी यहाँ अवश्य आएंगे। जब रामचंद्र आएंगे तो ये सब फलों को उन्हें अर्पित करो। जब किसी घटना की निश्चितता होती है तो प्रतीक्षा करना आसान होता है, जब किसी घटना के विषय में पूर्ण अनिश्चितता हो, दूर दूर तक कोई जानकारी और भविष्यवाणी न हो, तो तब प्रतीक्षा करना बहुत कठिन होता है। और इसलिए मन चंचल होकर, उद्वेगित होकर विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव रखता है कि अब हम ये कर लें, अब हम वो कर लें। इसलिए हमें धीरज के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे आगे कह सुने ते पाए सुखे, अपूर्वामृत नदी बहे तुम्हारे मुखे। अपूर्वामृत नदी आपके मुख से प्रसारित हो रही है, आप इस कथा को और सुनाइए। तब रामानंद राय कहते हैं, हृदय प्रेरणा कर जिह्वाय कहो वाणी, कि कही ये भाल मंद कि छुए न जानी। हे प्रभो, मैं जो भी कथा सुना पा रहा हूँ, हृदय के अंदर से प्रेरणा के स्रोत आप हो। क्या भाल क्या मंद मैं सुना रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब आपकी प्रेरणा है, आपकी शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादे भासी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, मैं तो भक्ति तत्व जानता ही नहीं। सर्वभौम संगे मोर मन निर्मल होइला, कृष्ण भक्ति तत्व कह तहारे पूछिला। मैं तो केवल सर्वभौम भट्टाचार्य के संग में शुद्ध हुआ, फिर मैंने उनसे प्रश्न पूछा, कृष्ण भक्ति तत्व क्या है बताइए। तेहो कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेहो नहीं ये था। तब उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, मैं भक्ति तत्व नहीं जानता, रामानंद को जाके पूछो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे रामानंद, बड़ी आशाओं के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रेरणा से मैं आपके समक्ष आपका आश्रय लेके आपके मुखारविंद से कृष्ण कथा का पीयूष रस सुनने आया हूं। तो मार ठानी आयला तो मार महिमा सुनिया, कृष्ण भक्ति तत्व कह
तोमार ठाने आयला तोमार महिमा शुनिया, तुमी मोरे स्तुति कर सन्यासी जानिया। सामाजिक औपचारिकता के आधार पर गृहस्थ होते हुए आप सन्यासी का सम्मान कर रहे हो, यह उचित है। लेकिन मैं आपके समक्ष कुछ भिन्न अपेक्षा के साथ आया हूं। मैं केवल आपके मुख से कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। मुझे जीवन दान दीजिए, अभय दान दीजिए इस कथा को सुनाकर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कई कई दिनों तक दक्षिण भारत की यात्रा में किसी दूसरे तीर्थ स्थल का दर्शन न करते हुए केवल श्रीपाद रामानंद राय के चरणों में बैठकर कथा श्रवण किए। इस सिद्धांत को ध्वनित करने कि देखिए, बद्ध जीव तो पूरे ब्रह्मांड में कई कई जन्मों से घूम रहा है, उसकी चंचलता की उसकी अधोगति का मूल कारण है। इसलिए जब अनेक अनेक जन्मों के पश्चात अब साधु संग मिलता है, ऐसे साधु संग में शांतिपूर्वक बैठकर भजन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन बहुत से प्रस्ताव रखेगा, ये करो ये करो वो करो, लेकिन भगवान के निकट आने के लिए उछाल मारने की आवश्यकता नहीं। मन के उछलते हुए वेग को रोकने के लिए शांतिपूर्वक नियमित रूप से वैष्णव संघ में भजन करना चाहिए। या नास्थाय नरो राजन न प्रमद्येत कर्हिचित, धावन निमिल्यवा नेत्रे न पतेत न स्खलित इह। ये भक्ति का मार्ग इतना सुंदर, प्रशस्त, सुगम, सुरक्षित है। न प्रमाद्येत कर्हिचित, इसमें भागता हुआ व्यक्ति साधक कभी नहीं फसलेगा, कभी नहीं फिसलेगा। धावन निमिल्यवा नेत्रे, आंखें बंद करके भी भागे, न पतेत, गिरेगा नहीं, न स्खलेत इह, न फिसलेगा भी। सो धावन निमिल्यवा नेत्रे का अर्थ क्या है? आंखें बंद करके भागना। ये दो आंखें क्या है? श्रुति और स्मृति। हर भक्त के अंदर शास्त्रों का पूर्णतः ज्ञान भले न हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति करते हुए शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं भी किया, लेकिन शास्त्र के पारंगत वैष्णव भक्तों का आश्रय ग्रहण किया, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलने का संकल्प किया, ऐसे महान वैष्णवों के ऊपर उनकी श्रद्धा हो, तो केवल उस श्रद्धा के विकास के आधार पर अगर धैर्य के साथ वो उनके बताए गए मार्ग पर अनुगमन करते रहे, सफलता निश्चित है। यहां पर शबरी अपने गुरु मातंग ऋषि जैसी शास्त्र में विदुषी नहीं थी। मातंग ऋषि शास्त्र के बड़े विद्वान थे, लेकिन शबरी का सबसे बड़ा गुण क्या था? मातंग ऋषि के आदेश अनुसार उनके पद चिन्हों में चलने के लिए वो तैयार थी। प्रभुपाद जी कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। 12 महाजन की चर्चा हो रही थी, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल। प्रभुपाद ने कहा ये 12 महाजन हैं। तो एक भक्त सामने बैठा हुआ था, वो प्रभुपाद को कहता है, प्रभुपाद आप 13वें महाजन हो। प्रभुपाद कहते तुम 14वें हो। फिर प्रभुपाद ने कहा केवल पुराने महाजन हो गए, अब हम कुछ भी उठपटांग कर ले ये मत सोचो, आपको भी अपनी जीवन शैली ऐसी व्यतीत करनी है कि आप भी महाजनों जैसा ही रवैया अपनाओ। अंतिम श्लोक इस पड़ाव का, इति उक्ता जटिला वृद्धा चिरकृष्ण जिनाम्बरा
तस्मिन् मुहूर्ते शबरी देहं जीर्णं जिहासति। तो शबरी कहती है मातंग ऋषि के आश्रम में एक बार एक दुंदुभि नाम के असुर का मृत देह आके गिर पड़ा। किसने उठा के फेंका था? वाली ने। वाली अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उस मायासुर नाम के असुर के पुत्र दुंदुभि को समाप्त करके उठा के यहाँ फेंक दिया और उनका मृत देह मेरे गुरु मातंग ऋषि के आश्रम को जब प्रदूषित किया तो मातंग ऋषि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने वाली को अभिशाप दिया कि अगर इस ऋष्यमुख पर्वत के आसपास इतने योजन के अंतराल में अगर आओगे आपके सर के अनंत टुकड़े हो जाएंगे। और इसलिए वाली से घबराकर उनका भाई सुग्रीव अपने भाइयों के साथ इसी ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। तो आप में से जितने लोग हम्पी की यात्रा में गए हैं तो हम्पी की यात्रा में वहाँ पर पंपा सरोवर है और पंपा सरोवर के बगल में ऋष्यमुख पर्वत बड़ा सुंदर रमणीक। तो इस प्रकार शबरी जी ने देह त्याग करने से पूर्व प्रभु रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करने अपनी ओर से उनके मिशन में जो योगदान था वो दिया। देखिए प्रभु के मिशन तो बहुत अनंत है, अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। हम सभी कुछ समय के लिए अपने सामर्थ्यानुसार यथाशक्ति यथासंभव योगदान दे सकते हैं। सकारात्मक बात क्या है कि भगवान तुच्छ से तुच्छ योगदान को भी अगर प्रेम से दिया हो स्वीकार कर लेते हैं। तो कभी हनुमान जैसे किसी ने योगदान दिया, कभी किसी कबंद जैसे योगदान हुआ, कभी शबरी जैसा योगदान हुआ। जो भी योगदान हो उस योगदान को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हमें भगवान को कुछ समर्पित करने का अवसर मिल रहा है ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक साधु गांव में किसी महिला के घर पर जाकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देही भिक्षाम देही। महिला अच्छे मूड में नहीं थी, क्रोध में थी, ऊपर से भिक्षाम भिक्षाम सुन के उसका दिमाग घूम गया। तो घर पे जो सिगड़ी थी, सिगड़ी के अंदर से जो राख था, इतना सारा राख उठाया, बर्तन में राख लेके आके उस साधु के चादर में पटक दिया। साधु ऐसे चादर लेके खड़ा था, पटक दिया पूरा, इतना राख। साधु ने देखा, अरे इतना राख। साधु सम्मानपूर्वक उस महिला को कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके योगदान के लिए, मैं कल फिर आऊंगा। महिला का क्रोध और चढ़ गया, बोलती है, मैं इतना वेस्ट आपको दी हूं, इतना सारा मैंने राख उठा के दिया है जिसका कोई काम नहीं, फिर भी आप कल आओगे, क्यों पागल हो गए हो क्या? वो साधु कहते हैं, माता जी मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि आज आपने अपने जीवन में देने की आदत शुरू की। तो कहता है, टुडे यू हैव गिवन ऐश, टुमोरो यू विल गिव कैश। कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, कृष्ण भक्ति में जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी योगदान दे उसको भगाओ मत, उसको अंदर ले लो, है कि नहीं? कभी कभी लगता है, अरे इतना मैं प्रचार कर रहा हूं ये कुछ कर ही नहीं रहा। 1994 में मैंने कॉलेज प्रीचिंग स्टार्ट किया तो
तो यूडी सिटी में जाता था, चौपाटी मंदिर के बगल में बस स्टॉप है, वहाँ से डायरेक्ट बस जाती थी। तो हर मंगलवार या बुधवार पता नहीं याद आ रहा जाता था मैं वहाँ पर। दो स्टूडेंट मेरे प्रोग्राम में आते थे, पहले एक आता था फिर उसने दूसरे को लाया, और हर सप्ताह बराबर वो दो आके बैठते थे। पहले तो मैं खुश था कि दो लोग आ गए, लेकिन दो चार हफ्ते के बाद मैंने कहा और लोग को बुला सकते हैं क्या? वो कहता हाँ हाँ जरूर लेके आएंगे। और अगले हफ्ते गया तो वही दो। फिर मैं उनको बोलता था लास्ट में किसी को तो लेके आओ, बोलते हाँ हाँ हम प्रयास कर ही रहे हैं। दो साल तक मैं वो प्रोग्राम में गया, दो ही लोग आ रहे, दो साल दो लोग दो माला। और मुझे भी लगने लगा ये क्या नंबर दो का काम चल रहा है क्या, इतना बोलने पर भी ये क्यों नहीं मान रहे मेरी बात। लेकिन उसके बाद फिर मैं दूसरे प्रोग्राम में बिजी हो गया, तो वहाँ दूसरे प्रीचर भी जाने लगे, धीरे धीरे वो लोग और आगे बढ़कर अभी वो दोनों भक्त दीक्षित हैं। तो अभी मैं उनको मिलता हूँ तो बोलता हूँ यार आपको बहुत गाली दिया था मैंने मन में उस समय, कि कहाँ आके बैठ के मेरा चेहरा देख रहे हो। और मैं जाते जाते सोचता था कोई तो आएगा एक्स्ट्रा, बिल्कुल कंसिस्टेंट दो। तो इसलिए कभी कभी हमको लगता है ये हो वो हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हरेक के लिए ये मिशन तैयार किया है। इसलिए रूप और सनातन कहते हैं जगाई मधाई होते कोटि कोटि गुण अधम पतित प्रभु आमी दुईजन, कि जगाई और मधाई से भी निकृष्ट हमारी अवस्था है। तो शबरी के इस प्रसंग के माध्यम से भगवान का कौन सा गुण हम समझते हैं? भक्तिर तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव, भगवान केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं। अब प्रारंभ होता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड अर्थात किष्किंधा क्षेत्र में किस प्रकार राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए कबंध और शबरी के संकेत के अनुसार सुग्रीव को ढूंढ रहे थे। सुग्रीव के चार अनुयायी जिनके साथ वो वहाँ ऋष्यमुख पर्वत में वाली के आक्रमण से बच के बैठे थे वो कौन थे? नल, नील, तरु और हनुमान जी। तो जितने क्षण रामचंद्र जी शबरी के साथ थे उन क्षणों में रामचंद्र जी सीता के विरह अग्नि के ताप को दर्द को भूल गए, और ये संग का प्रभाव है। सत्संगात मुक्त दुःसंगो हाँ तुम न उत्सहते बुधाह कीर्त्यमानो यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। केवल सत्संग में जब हम कथा सुनते हैं वो इस प्रकार का अमृत होता है जो हमारे भौतिक जगत के पीड़ा के विष को समाप्त कर दे, हर दर्द को दूर कर दे। पंपा में तीन ऐसे तत्व थे जिन्होंने रामचंद्र जी के सीता देवी का स्मरण और तीव्र कर दिया। पहला, वहां पर एक कमल था, कमल खिल रहे थे। कमल की विशेषता क्या है? सूर्य के प्रभाव से वो खिलता है। तो रामचंद्र वही सूर्य हैं जिनके प्रभाव से सीता देवी प्रसन्न होती है। कमल जल के अंदर उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जब साधक कमल की भांति, जैसे कमल सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, वैसे ही साधक जब भगवान के ऊपर मनन करे, चिंतन करे, वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। फिर एक काले वर्ण का पुष्प था, ब्लैक ट्यूलिप, वो चंद्रमा के प्रभाव से ही खुलता है। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का
मुख एक चंद्र की भांति था जिसकी शीतलता के अंतर्गत सीता देवी प्रसन्न रहती हैं। और साधक को ऐसे चंद्र से आते हुए अमृत को पीना चाहिए जो गुरु के मुखारविंद से भक्ति का ज्ञान उसे प्राप्त हो। तीसरा, रामचंद्र जी ने पंपा सरोवर में मत्स्य देखे। मत्स्य के अंदर दो बातें हैं, धारकम और पोषकम। जल मत्स्य को धारण भी करता है और जल मत्स्य का पोषण भी करता है। उसी प्रकार रामचंद्र जी हर जीव को ये बता रहे हैं कि सत्संग के माध्यम से ही हम प्रभु रामचंद्र जी को खोज सकते हैं। और पोषण कौन करेगा? गुरु। गुरु और वैष्णवगण के आश्रय में हम पोषित होंगे। तो बहुत सारे वहाँ पर सुंदर सुंदर पक्षियाँ थीं जिनसे प्रभावित होकर रामचंद्र जी सीता के विरह में और विचार करने लगे। अब रामचंद्र जी किष्किंधा कांड के आरंभ में लक्ष्मण से अपने हृदय की दुर्व्यवस्था, अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि सीता देवी के अभाव में मुझे प्रकृति का हर सौंदर्य काट रहा है। सुख और दुख हृदय के भाव के ऊपर आधारित है। अगर हृदय प्रफुल्लित है तो प्रकृति का हर तत्व नाचता हुआ दिखेगा, नृत्य करता हुआ दिखेगा। और अगर हृदय चिंतित है तो मुस्कुराते हुए व्यक्ति के पीछे भी क्या रहस्य है हम सोचेंगे। तो इसलिए यहां कहते हैं इस श्लोक में, यानि स्मरमणीयानि तया सह भवन्ति मे तान्येव रमणीयानि जायन्ते मे तया बिना। हे लक्ष्मण, जो सीता देवी के उपस्थिति में सुंदर और सौंदर्यशाली लगता था अब वो कुरूप लगता है मुझे उनके अभाव में। यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसे मही स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायै रघुत्तम। हे रघुवंशों में श्रेष्ठ, हे लक्ष्मण, मेरे हृदय में इस क्षण वर्तमान में केवल एक ही इच्छा सता रही है। एक ही इच्छा की प्रतिध्वनि मेरे अंतःकरण के अंदर बारंबार गूंज रही है। अगर मुझे यहां सीता मिल गई, सीता प्राप्त हो गई, तो मैं सीता को लेकर यहीं बस जाऊंगा। मुझे केवल सीता का संग चाहिए, सीता के साथ आदान प्रदान का संतोष चाहिए। न मुझे अयोध्या के राज्य गद्दी की कामना है। और इंद्रदेव स्वयं आकर अगर स्वर्ग का आधिपत्य मुझे देंगे उसको भी हम तिरस्कृत कर देंगे। श्यामा पद्म पला साक्षी प्रिया विरहिता मया कथम धारयति प्राणान् विवशा जनकात्मजा। मेरी प्राण प्यारी जानकी, जो अपने यौवन संपन्न अवस्था में यौवन के चरम पर है, मेरे विरह में कैसे अपना जीवन बनाए रख सकती है? वो अपने जीवन के ऊपर ही नियंत्रण खो बैठी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो कैसे जीवित रहेगी। लक्ष्मण, प्रभु रामचंद्र जी के इस आशाहीन अवस्था में विलाप को सुनकर द्रवित हो उठते हैं। संयम के, आत्मविश्वास के,
बल के मूर्तिमान स्वरूप जो कि महात्मा और स्थित प्रज्ञ हैं, ऐसे श्री राम को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोता हुआ देखकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो उठा। अब लक्ष्मण उनको समझाने बुझाने और बोध करने का प्रयास करते हैं। संस्तंभ राम भद्रम ते माशुच पुरुषोत्तम नेदृशानां मतिर्मंदा भवति अकलुषात्मनाम। हे राम, सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ, सब महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ आपका भला हो। अपने आप को नियंत्रित कीजिए, संयम धारण कीजिए। ऐसा शोकातुल अवस्था में आपको देखकर मेरा हृदय टूट रहा है। अरे आपका हृदय तो शांत होना चाहिए, प्रशांत होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार शोक करना शोभा नहीं देता। स्वास्थ्यम भद्रम भजस्वार्य त्यजताम कृपणामती अर्थो हि नष्ट कार्यार्थै नायत्नेन अधिगम्यते। हे राम, आप अपने संयम को पुनर्धारण कीजिए। आशाहीन विचारों को मन से पूर्णतः त्याग दीजिए। जिनके जीवन में कोई कष्ट आए हो, जब हानि हुआ हो, जब तक अपने प्रयासों को दुगुना नहीं करेंगे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ वर्णन आया है ना, कि अर्थो ही नष्टक नष्टक कार्यार्थे न अयत्नेन अधिगम्यते। बिना अधिक प्रयास के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये मत सोचो कि अपने आप सब हो जाएगा, नहीं। हाँ, आपको अभी हानि की पीड़ा सता रही है, सीता मैया अपहरण हो गई, आप ढूंढ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। सीता मैया के सुरक्षा के विषय में विभिन्न प्रकार के विचारों के बाण आपके हृदय को द्रवित कर रहे हैं, आघात पहुंचा रहे हैं। आपका हृदय सीता देवी के स्मरण में लहूलुहान होता चला जा रहा है, लेकिन आपको प्रयास बनाए रखना है। और प्रयास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? उत्साह। उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साहात् परम बलम। सोत्साहयस्यास्ति लोकेस्मिन् न किंचित् अपि दुर्लभम्। उत्साह ही हमारा बल है। उत्साह से श्रेष्ठ दूसरा कोई बल नहीं। जिसके हृदय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह है और लक्ष्य पर केंद्रित प्रयास करने के लिए वो पूर्णतः तत्पर है, उससे अधिक दूसरे पूरे जगत में कोई शक्ति नहीं हो सकती। आगे कहते हैं, उत्साहवंत पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु उत्साहमात्रम् आश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीम। जिस व्यक्ति के हृदय में उत्साह तीव्र है, चाहे कितनी भी विपत्तियों का भार उसके सर पर क्यों न आ जाए, चाहे कितनी भी चुनौतियों के बाण उस पर आक्रमण हो, उत्साहवंतम पुरुष न अवसीदन्ति कर्मसु, वो कर्म के भार के वशीभूत नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर उत्साह प्रबल है। इसलिए प्रतिलप्स्याम जानकीम, हे राम, आपके मन में तीव्र इच्छा है ना जानकी को पुनः हम हस्तगत कर रावण के चंगुल से
शत्रुओं के चंगुल से बचा के लाएं। एकमात्र साधन जो हमें सिद्ध कर पाएगा वो है उत्साह मात्रम आश्रित्य। केवल उत्साह का आश्रय लीजिए, सफलता निश्चित है। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रयास करते रहना चाहिए, उत्साह बनाए रखना चाहिए, चाहे कितनी भी जटिल परिस्थितियां क्यों ना आए, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, उत्साह बनाए रखो। क्योंकि अगला कदम लेंगे फिर अगला द्वार खुलेगा, फिर अगला कदम लेंगे अगला द्वार खुलेगा। 2001-2 की बात है, अमेरिका के दो भक्तों के साथ मैं IIT खड़गपुर के प्रोग्राम में जा रहा था। फ्लाइट मेरा कलकत्ता एयरपोर्ट लैंड हुआ। फ्लाइट लैंड होते समय हमको सूचना दी गई कि आज बंगाल बंद है। बंगाल बंद मतलब पता है गाड़ियां नहीं चलती। तो मुझे लगा चलो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, थोड़ा कलकत्ता में समय बिता लेंगे। बाहर में निकला, अपने दो मित्रों के साथ हार के साथ स्वागत किया गया। स्वागत के बाद मैंने पूछा आयोजकों को, आप लोग आए हो मुझे लेने के लिए, लेकिन 3 घंटे का ड्राइव है कलकत्ता से खड़गपुर, आज तो बंगाल बंद है तो प्रोग्राम कैंसिल होगा। बोला नहीं नहीं प्रोग्राम चालू है। मैंने कहा कैसे भाई, गाड़ियां नहीं चल सकती, बंगाल बंद है कैसे जाएंगे? तो आयोजक बोलते हम आपको एम्बुलेंस में लेने आए हैं। एक एम्बुलेंस वहां जा रही थी तो हमने उसकी दिशा घुमा ली, उसी में आपको ही बिठा लेंगे। तो एम्बुलेंस के पास जाकर मैं सामने बैठने लगा, मेरे दोनों अमेरिकी भक्त घबरा गए। बोले यार इसमें हम क्यों प्रवेश कर रहे हैं, एम्बुलेंस क्यों? मैंने कहा बड़ा जटिल विषय है, समझाने में समय जाएगा, पहले आपको समझाना होगा बंद क्या होता है। बंद क्या होता है समझाने में 1-2 घंटा चला जाएगा। आप बैठिए, रास्ते में हो सकता है कुछ लोग मोर्चा निकालते हुए पत्थर वत्थर मारेंगे, ऐसा होगा भी तो सही गाड़ी में बैठे हैं, एम्बुलेंस पहुंच जाएंगे। घबरा कर वो लोग पीछे जाके बैठ गए। रास्ते में किसी ने रोका, बहुत सारे मोर्चा वाले हाथ में लाठी वाठी लेके घूम रहे थे, बोले रोको रोको रोको, जाबे ना गाड़ी आगे नहीं जाएगा। मेरे को देखे बोले सैफरन में अलग ही आदमी है, इसके साथ बात करके कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं आप एम्बुलेंस में जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा है प्रॉब्लम। वो बोलते हम देखना चाहते हैं पीछे कौन है, फ्रॉड तो नहीं है? मैंने कहा देख लो। तो पीछे वो लोग अंदर जाके देखते हैं, मेरे दोनों अमेरिकी मित्र ब्रेकफास्ट लेने के बाद गले में हार डाल के सोए हुए थे। उनको देखकर वो बोलते हैं इनकी आत्मा को शांति मिले। 2 घंटे में हम लोग पहुंच गए। तो कई बार ऐसा लगता है कि अब इतनी जटिल समस्या है, कुछ आशा नहीं दिखती, इस मोड़ जाऊं उस मोड़ जाऊं क्या करूं, और वो निराशा हमारे विवेक शक्ति के ऊपर एक ऐसा कोहरा की भांति आवरण कर देती है कि उस माया जवनिका के अंतर्गत हमारी विवेक शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। इसलिए जब समझ में ना आए कि अगला क्या करें, बस हाथ में माला लो और भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र वो एम्बुलेंस के सायरन की भांति है, लेते लेते पहुंचा देगा, भले समझ में आए ना आए आगे क्या हो रहा है। तो इसलिए लक्ष्मण जी के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रामचंद्र जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि भाई मेरे जीवन में जब इस तरह की अवस्था आ सकती है, भले रामचंद्र लीला के अंतर्गत, ये उनका लीला का ही अंग है, लेकिन उस लीला के माध्यम से भी संकेत कर रहे हैं कि भले आपके पास सारी शक्तियां हो, बुद्धि हो, बल हो, कौशल हो, लेकिन अपने जीवन में कई ऐसी परिस्थितियों की अपेक्षा कीजिए,
ऐसी जटिल परिस्थितियां जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी स्थगित कर दे, जिसको कहते हैं धर्म संकट। ऐसी अवस्था में उत्साह बनाए रखने के लिए हमें दो ही बातें करनी है। पहला, वैष्णवों का सत्संग बनाए रखना है, और दूसरा, उस सत्संग में निरंतर प्रार्थना के भाव में रहना है। भगवान से हरिनाम के माध्यम से प्रार्थना, शास्त्र का श्रवण करते हुए महान ऋषि मुनिगण और भागवत के पात्रगण जिन्होंने जटिल परिस्थितियों का सामना किया उनसे प्रार्थना, और तीसरे वर्तमान आचार्य उनसे प्रार्थना। श्री रूप रघुनाथ चरणेर एई बल, जोर स्मृते सिद्ध होए वांछित सकल। श्री रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों का आश्रय लेकर हम यही कल्पना करते हैं कि वो इन जटिल परिस्थितियों को और इस महान सेवा को पूर्ण करने की क्षमता दें, और हमारे संकल्प में आते हुए हर बाधा को दूर करने का साहस दें। तो इसलिए कभी किसी वर्तमान साधक को नहीं सोचना चाहिए कि भूतकाल में हुए किसी भी महान आचार्य हमारी भक्ति में हस्ताक्षेप करने के लिए तैयार नहीं। We have access to each and every acharya through our prayer, प्रार्थना के माध्यम से, और उस प्रार्थना में उत्साह दिलाने के लिए वैष्णव संघ आवश्यक है। तो लक्ष्मण वो संघ का कार्य निभा रहे हैं। जब रामचंद्र इस अवस्था में हैं, लक्ष्मण उनका उत्साह साहस बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं एन करेज। करेज मतलब साहस, एन करेज अर्थात जो दूसरा भक्त हमें हमारे साहस को बढ़ाए। आगे, त्यजताम काम वृत्तत्वम शोकम संयस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानं आत्मानं नावबुध्यसे। हे राम, सीता मैया के प्रति जो आपके हृदय में इतनी तीव्र आसक्ति है, कुछ समय के लिए उस आसक्ति को भूल जाइए। सीता के विरह में जो आपका हृदय शोकाकुल हुआ है, कुछ क्षणों के लिए उस शोक को पीछा छोड़ दीजिए। महात्मानम कृतात्मानम, आप सर्व सम्मानित महात्मा हो, लोकप्रिय महात्मा हो, लोक विदित प्रसिद्ध महात्मा हो। भक्ति करते हुए माया देवी कई बार ऐसी अड़चने बाधाएं प्रलोभन डालेंगी कि वो व्यक्ति भूल जाएगा कि मैं सम्मानित भक्त हूं, और फिर माया के प्रपंच में फंस जाएगा, और तब दूसरे वैष्णवों को स्मरण कराना पड़ता है, अरे भाई आप सम्मानित भक्त हो, ये दुर्व्यवहार आपके चरित्र को कलंकित कर रहा है, आपको अपयश लाएगा, संभाल लो अपने आप को। तो इसलिए प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रति तुम प्रभो। ब्रह्मा जी अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं ये भौतिक जगत क्या है? प्रपंच। भगवान निष्प्रपंचोपी भौतिक जगत से परे हैं, ज्ञान घन, आनंद घन, चिद घन, पूर्ण चिन्मय अति मानवीय गुणों से युक्त वो इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं? विडंबयसी, लीला करने। क्यों? प्रपन्न जनतानंद,
जिन भक्तों ने उनके चरणों का आश्रय लिया, ऐसे प्रपन्न आश्रित समर्पित शरणागत भक्तों के लिए शरणागत वत्सल भगवान प्रकट होते हैं। संदोहम प्रति तुम प्रभो, इस प्रकार उनके आनंद का वर्धन करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण रामचंद्र जी को कह रहे हैं, प्रभो देखिए आप महात्मा हो, अब आपको अपने भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, कृपा करके आप ऐसा कीजिए। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण के इन बातों को सुनकर अपने शोकाकुल अवस्था से उठ गए, पंपा सरोवर में स्नान किया और तब स्नान करके जब बाहर निकले, कौवे की ध्वनि सुनाई पड़ी जो कि एक शुभ लक्षण था। और तब उस समय ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर वो जाने की तैयारी किए। अच्छा, ऐसा वर्णन आ रहा है कि वाली को भले ही मातंग ऋषि ने अभिश्राप दिया था कि ऋष्यमुख पर्वत पर कभी कदम मत रखना, लेकिन वाली का सुग्रीव के प्रति इतना वैर था, इतना क्रोध था, इतना द्वेष था कि सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर बैठकर जब गायत्री करते थे तो वाली ऊपर से उड़ता हुआ आकर सुग्रीव के सर पर दो चार लात मारकर चला जाता था, क्योंकि श्राप था कि ऋष्यमुख पर्वत को स्पर्श करने पर कंडीशंस अप्लाई। तो वो इतना चतुर था और उसके मन में इतना द्वेष था कि ये न के न प्रकार मैं इसको कष्ट दे के ही जाऊंगा, तो इस प्रकार वो हमेशा आकर उसको कष्ट देकर पीड़ा देकर जाते थे। सुग्रीव इतना लज्जित हो जाता था कि मैं अपने शक्तिशाली भाई वाली के सामने कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो ये कथा क्यों बताई गई है, ये हम सभी को समझाने के लिए कि काल के प्रभाव से जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी बारंबार पिटता है, परिस्थितियों के वशीभूत उसके साथ बहुत सा अत्याचार होता है, उसकी अपेक्षा के विपरीत कई परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं, तो सबसे बड़ा नाश संपत्ति का नहीं, उसके आत्मविश्वास और आशा का। तो सुग्रीव अब आत्मविश्वास खो बैठे थे, आशाहीन हो गए थे, क्योंकि उनको लगा जीवन भर मुझे इस ऋष्यमुख पर्वत में ही बैठे रहना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर, अपने साम्राज्य से दूर। और फिर एक दिन जब वाली ने आकर अपने पैर से उनको चाप दिया, तब नल और नील भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो केवल दूर से देख ही पा रहे थे। एक दिन जब वाली आक्रमण किए, हनुमान जी ने सुग्रीव को मारते हुए उस वाली के पैर को पकड़ लिया, और पैर को पकड़कर हनुमान जी वाली के पैर को ऋष्यमुख पर्वत के चट्टान पर स्पर्श करने के लिए लाए, और वाली समझ गया स्पर्श हुआ तो मेरे सर का विस्फोट हो जाएगा। तो वाली रोकने का प्रयास कर रहा है और बजरंगबली हनुमान उनको नीचे लेके आ रहे हैं। हनुमान जी भी मजा ले रहे थे कि बेटा बहुत किक मारा तूने, अभी उसका बदला मिलेगा। तो जब हनुमान जी के उस शक्ति के प्रदर्शन को देखकर वाले भी बुद्धिमान था, वो समझ गया कि भाई अब हम जिएंगे नहीं। तो वाले कहते हनुमान जी को, देखो दोस्त झगड़ा करके क्या होगा, मुझसे गलती हो गई, भविष्य में कभी सुग्रीव को आके मैं नहीं सताऊंगा, ठीक है अभी छोड़ दो। तो हनुमान जी ने उनको छोड़ दिया। तो उसके बाद न हनुमान ने इस वृत्तांत का वर्णन किया न वाली ने, लेकिन वाली का अहंकार नष्ट हो गया था, है कि नहीं। तो हनुमान जी जो थे वो निरंतर सुग्रीव की सेवा में इस प्रकार लगे हुए थे। तब नल ने राम और लक्ष्मण को प्रथम बार देखा
और देखने के पश्चात सुग्रीव को समाचार दिया कि दो राजकुमार ऐसा प्रतीत हो रहा है राजकुमारी हैं, दिखने में प्रभावशाली लेकिन सामान्य वस्त्र पहनकर भ्रमण कर रहे हैं। सुग्रीव घबरा गया क्योंकि सुग्रीव का जीवन भर में वाली के द्वारा इतनी बार पिटाई होने के बाद किसी भी परिस्थिति में सबसे पहला रिएक्शन डर का ही होता था। कोई भी समाचार आता था तो पहले कांपता था। तो बोले राम और लक्ष्मण, नहीं नहीं। तो हनुमान जी बोले कि इन दोनों को देखकर मुझे लगता नहीं आपको घबराने वाली बात है। सुग्रीव कहते नहीं नहीं वाली के एजेंट होंगे। हनुमान जी कहते दिखने में तो बड़े धर्मचारी लगते हैं, उनके कण कण से धर्म परिलक्षित हो रहा है और वैसे थके हुए भी लग रहे हैं, उनके नेत्रों को देखकर समझ रहा है कि वो किसी बहुमूल्य वस्तु जो कि उनकी खो गई है उसको खोज रहे हैं, कहीं ये कोई देवता तो नहीं जो मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। तो उस समय हनुमान जी सुग्रीव को कहते हैं कि सुग्रीव देखकर मुझे लगता है ये करुणा के सागर हैं, अहिंसावादी हैं। इनके हाथ में जो आपको धनुष और बाण भी दिख रहा है, ये धनुष बाण दूसरों को मारने के लिए नहीं केवल अपने संरक्षण के लिए है। कृपा करके हे सुग्रीव अपने भय को त्याग दीजिए, क्योंकि जो राजा निरंतर भयभीत रहता है वो राज्य कैसे करेगा। सुग्रीव कहते हैं ठीक है हनुमान जी, आप बारंबार इतना बोल रहे हो तो आप जाइए, जाकर उनकी स्तुति कीजिए, स्तुति करके उनके मन में क्या भाव है इसको ढूंढ निकालिए और फिर उनका विश्वास जीतने के पश्चात बताइए कि ये कौन है और क्या है। हनुमान जी एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके वहां पहुंचते हैं, राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो चारों तरफ कितने ही पशु, वन के पशु भागते हुए जा रहे हैं और राम और लक्ष्मण को चुंबन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये दोनों व्यक्तित्व कौन हैं जिनके साथ वन के प्राणी इतना प्रेम करते हैं। फिर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आकर कहते हैं प्रभो आपके इतने लंबे हस्तकमल, इनके ऊपर कोई आभूषण नहीं, ऐसा क्यों? दूसरा आपका दायां कंधा खुला हुआ है, ऐसा क्यों? रामचंद्र हनुमान को कहते हैं वो कहते उनको अरे तुम तो एक वयोवृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके आए हो, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो कि मेरे पास आभूषण क्यों नहीं, आप तो सन्यासी हो, आपके गले में हीरे का हार कैसे? और अगर आपके पास ये हीरे का हार है तो भिखारी बन के क्यों घूम रहे हो? भिखारी को हीरे का हार पहनकर घूमना शोभा नहीं देता। जैसे ही हनुमान जी ये शब्द सुनते हैं रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर उनके चरणों को पकड़कर अपने नेत्रों से प्रवाहित अश्रुधारा से उनके चरण कमलों का अभिषेक करते हैं। हनुमान जी की ये प्रतिक्रिया के पीछे कारण क्या था? हनुमान जी को अपना बचपन याद आ गया। सूर्यपुत्र हनुमान का जन्म होने के पश्चात जब वो वायुपुत्र हनुमान जी का जन्म होने के पश्चात सूर्य को देखकर वो सूर्य को चमकता हुआ देखकर उनको लगा कोई स्वादिष्ट फल है लाल लाल, उस स्वादिष्ट फल को हम खाएंगे, ऐसा सोचकर संकल्प करके जब छलांग लगाए सूर्यदेव घबरा गए। सूर्यदेव देखे हनुमान जी की आंखों में जो संकल्प की चमक थी उस चमक को देखकर समझ गए ये तो मुझे पकड़कर निकल के ही छोड़ेगा। सूर्यदेव चिल्लाए बचाओ बचाओ, तब इंद्र वहां आए और इंद्र ने वज्र से आक्रमण किया और हनुमान जी के इस ठोड़ी पर लगा तो वो नीचे भूमि पर गिर गए।
निस्सहाय अवस्था में बेहोश होकर जब वो भूमिपत हुए, वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए कि मेरे पुत्र के ऊपर स्वर्ग के राजा ने आक्रमण किया। क्रोधावेश में आके वायु ने संपूर्ण ब्रह्मांड के वायु के वेग को स्थगित कर दिया। अब वायु ही खींच लिया जाए तब व्यक्ति क्या करे। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगेगा कि हमको वेंटिलेटर चाहिए। तो उस अवस्था में ब्रह्मा जी गए और हनुमान जी के बगल में बैठे और अपने अमृतमय हस्तकमल से स्पर्श किया। हनुमान जी ने अपने नेत्र खोले और जब देखा कि वहाँ न केवल ब्रह्मा जी हैं लेकिन कई देवतागण हैं। वायुदेव वहाँ थे। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र नेत्र खोल दिया, प्रसन्न हुए। फिर भी सोचा आगे क्या करने वाले हैं, जान लेने वाले हैं कि जान देने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इनको वरदान देता हूँ इस आपके पुत्र को, हे वायु लंबी आयु हो। अग्नि कहते हैं, अग्नि से इनको कभी भी पीड़ा नहीं होगी, अग्नि से जीवन पर्यंत संरक्षण में देता हूँ। वायु कहते हैं, चलो मेरी रफ्तार से तीव्र गति से वो चलेंगे। यमराज उनको यौवन और स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। कुबेर कहते हैं, हर युद्ध में ये बच्चा विजयी होगा। वरुण कहते हैं, इनका शरीर तेजस्वी होगा। विश्वकर्मा कहते हैं, मैं इनको ऐसे अस्त्र दूंगा जो उन्हें अजय अमर बना दे। सूर्य कहते हैं, हम इनको ज्ञान और विज्ञान देंगे, रूप भी देंगे। फिर धन्वंतरी कहते हैं कि मैं इन्हें ऐसी शक्ति दूंगा कि कोई भी औषधि अगर हनुमान जी के हाथ से किसी को मिले तो उसकी ताकत उस औषधि के किसी बीमारी को दूर करने की ताकत 10 करोड़ गुना अधिक सक्षम शक्तिशाली हो जाएगी। फिर बृहस्पति कहते हैं, मैं हनुमान इस पुत्र को ऐसी शक्ति दूंगा बुद्धि की कि किसी भी वन के अंदर कौन सी लता, कौन सी औषधि किस बीमारी के लिए है वो ढूंढ निकालेंगे। इंद्रदेव कहते हैं, सबसे बड़ा आघात तो मैंने पहुंचाया है, मैंने उनके ठोड़ी पर वज्र मारा। और क्योंकि इस ठोड़ी को कहते हैं हनु, इसलिए इनको मैं नाम देता हूं हनुमान। और क्योंकि मैंने वज्र से इनके प्रति अपराध किया, वरदान देता हूं कि हनुमान जी का अंग प्रत्यंग वज्र की भांति शक्तिशाली हो जाए। तब ब्रह्मा जी हनुमान जी के समक्ष आते हैं अपने हाथ में एक हीरे का हार लेकर, और ब्रह्मा जी गुप्त रूप से हनुमान जी के कान में कहते हैं, ये हीरे का हार मैं आपको गले में समर्पित कर रहा हूं। ये कोई सामान्य हीरे का हार नहीं, ये बड़ा गुप्त और अदृश्य हीरे का हार है जो केवल आप देख पा रहे हो और मैं देख पा रहा हूं। यहां खड़े हुए अन्य देवता इस हीरे का हार का दर्शन नहीं कर पा रहे, आपके पिता वायु इसका दर्शन नहीं कर पा रहे, जगत का कोई भी व्यक्ति इस हीरे का हार का दर्शन नहीं कर पाएगा। जिस दिन आपको वो व्यक्ति मिले जो आपके वक्षस्थल पर इस हीरे का हार को दर्शन कर ले, समझ जाओ वही आपके आजीवन जीवन पर्यंत स्वामी होंगे। और तब हनुमान जी रोते हुए श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, आज आपने इस हीरे का हार का दर्शन कर लिया। तो रामचंद्र जी पूछते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। इतना कहने के बाद भी हनुमान जी ने एक गलती की। जब रामचंद्र जी ने उनका परिचय पूछा,
हनुमान जी कहते हैं, मैं हनुमान हूं सुग्रीव का सेवक। रामचंद्र जी दो कदम पीछे हटते हैं और हनुमान जी ने देखा, दो कदम पीछे हटे, लगता है मैंने कुछ अपराध युक्त शब्द कह दिए। शब्द निकल चुके थे, एक बार शब्द निकल गए उनको पीछे नहीं ले सकते। हनुमान जी ने कहा, एक गलती मैंने अभी की, लेकिन अब मैं प्रयत्नशील रहूंगा कि रामचंद्र जी मुझे अपने सेवक के रूप में अवश्य स्वीकार करें। हम सभी के अपने व्यक्तिगत तात्कालिक सेवाएं संबंध होती हैं और एक सनातन संबंध होता है, तो सनातन संबंध को लेकर हमें चलना चाहिए, न कि तात्कालिक संबंधों को। इसलिए प्रतिवर्ष नीला चले तुमीन आसीब, गौड़ रहे मोर इच्छा सफल कुरीब। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा, प्रतिवर्ष आप नीलाचल जगन्नाथपुरी नहीं आएंगे, बंगाल में रहकर ही मेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जब ऐसा आदेश नित्यानंद प्रभु को कहा तो नित्यानंद प्रभु तुरंत तैयार हो गए और कहते हैं कि नित्यानंद कहे आमी देह तुमी प्राण, देह प्राण भिन्न नहे यही तो प्रमाण। प्रभु हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा अस्तित्व देह की भांति है, लेकिन प्राण क्या है? भगवान का आदेश, भगवान के साथ संबंध, भगवान वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से जो आदेश कर रहे हैं वो हमारा प्राण है। उस प्राण के आधार पर हम अपना जीवन जी पाते हैं। और तब हनुमान जी सुग्रीव के साथ अपने संबंध को स्मरण करते हैं, है कि नहीं? तो सुग्रीव के साथ क्या संबंध था, सुग्रीव और वाली कौन थे? तो एक ऋषि ने अभिश्राप दिया था कि क्योंकि फलाना फलाना ने मेरे साथ अपराध किया, सूर्योदय नहीं होगा, सूर्योदय नहीं होगा। इस तरह अभिश्राप दिया तो सूर्य तो करोड़ों करोड़ों वर्षों से चल रहे हैं, तो सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होते हैं। सूर्यदेव के सारथी का नाम है अरुण। तो अरुण को लगा कि भाई बिना छुट्टी के इतने समय हम चले, अब ऋषि के श्राप के कारण थोड़ा वेकेशन मिला, कैजुअल लीव। तो अरुण ने सोचा थोड़ा समय मिला है, मनोरंजन करते हैं। अरुण जैसे ही छूटे सीधा भागे इंद्रलोक में, लेकिन वहां पर गेट कीपर ने कह दिया, आप कौन हो, अंदर नहीं आ सकते। तो अरुण समझ गए कि यहां प्रवेश करने के लिए अप्सरा का वेश धारण करना पड़ेगा। तो तुरंत अरुण ने अपना शरीर बदल दिया, एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया, अंदर प्रवेश मिला। और वो देख रहे थे कि इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, लेकिन इंद्र की दृष्टि अरुण के ऊपर आ गई जो कि अप्सरा का स्वरूप धारण की थी। और इंद्र ने कहा, निकट आओ। वो निकट आए। इंद्र ने कहा, मेरे पास इतनी अप्सराएं हैं, सबका मैं भोग करता हूं, लेकिन आपके जैसे सुंदरी मैंने अभी तक नहीं देखा। वो कहते, अरे मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। लेकिन तब तक इंद्र आकर्षित हो गए थे और उनके साथ भोग कर लिया। वो बोले, यार मैं वेकेशन में निकला, आपातकालीन परिस्थिति आ गई, लगता है छुट्टी से अच्छा काम ही है। वापस लौट के आए, सूर्यदेव ने कहा, अरे कहाँ गए थे वेकेशन पर? वो बोला, ऐसे ऐसे हादसा हो गया। इंद्र ने कहा, अच्छा तुमने कौन सा रूप धारण किया, मुझे भी देखने की बड़ी इच्छा है। तो उसने कहा, अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं मैं देखना चाहता हूँ। फिर वो रूप जब बदला तो सूर्यदेव भी आकर्षित हो गए, उन्होंने भी भोग किया। तो सूर्य से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो थे सुग्रीव, और इंद्र से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो थे वाली। अब जब हनुमान जी शिक्षा के लिए जाने वाले थे, तब उनको सूर्यदेव के अंतर्गत शिक्षा के लिए भेजा। तो सूर्यदेव ने कहा, मैं, मेरे पास समय नहीं, शिष्य भी बहुत है मेरे पास, एक ही तरह से आप शिक्षा ले सकते हो, जब चलते चलते आप पीछे पीछे चलो।
मेरी ओर मुख करके जो मैं शिक्षा दूं वो आप स्वीकार करो। एक बार भी मैं रुकूंगा नहीं, एक भी शिक्षा को दो बार दोहराऊंगा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब फिट हो जाएगा। तो सूर्यदेव सुनाते चले गए, हनुमान जी सीखते चले गए। और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब हनुमान जी ने पूछा गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं, तो सूर्यदेव ने कहा मेरा पुत्र है सुग्रीव, मुझे पूरा विश्वास नहीं कि वो अपने आप को जीवन में संभाल पाएगा। तो 60 बार जब परिक्रमा में सूर्यदेव ने उनको 4 वेद और 9 व्याकरण सब कुछ सिखा दिया कुछ ही दिनों में, तो इसलिए सूर्यदेव ने कहा मेरे पुत्र सुग्रीव का संरक्षण आप करना। तो गुरु दक्षिणा के रूप में सुग्रीव से कोटि कोटि गुना अधिक शक्तिशाली होते हुए भी हनुमान जी सुग्रीव के दास बनकर उनकी सेवा की। क्योंकि गुरु के आदेश के अनुसार कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों में सेवा करनी पड़ती है कि हम जिनकी सेवा करें हो सकता है वो कलाओं में गुणों में शक्तियों में हमसे कम हो, लेकिन फिर भी उस आदेशानुसार विनम्रता पूर्वक उस आदेश का सम्मान रखते हुए जब हम ऐसी परिस्थिति में बिना आलोचना किया बिना दोष देखे जब सेवा करते हैं, तो उस आज्ञाकारिता के आधार पर जो शक्ति का संचार होता है वो उन कलाओं के शक्ति की तुलना में कोटि कोटि गुना अधिक होता है। तो इसलिए हनुमान जी ने जो शक्ति का संचार किया वो शक्ति अपने गुरु की आज्ञा पालन करके जो शक्ति उन्हें प्राप्त हुई वो उनकी वास्तविक शक्ति थी। अन्यथा किसी भी दिन सुग्रीव की तुलना में हनुमान जी की शक्ति कोटि गुना अधिक थी। रामचंद्र जी हनुमान जी के गुणों को देखकर लक्ष्मण को कहते हैं हनुमान जी की वाक्पटुता उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। वेद के ऊपर इन्होंने सफलता प्राप्त की है वेद शिक्षा में, और हर प्रकार से संपन्न है नम्रता में, विज्ञान में, स्मरण में, संगीत में, शिक्षा के हर पहलू में पारंगत लग रहे हैं। अब यहाँ पर जब हनुमान जी जब उनको लेके आते हैं तो यहाँ पर ये श्लोक कहते हैं 4, 5, 7 सुग्रीव के पास लेके आते हैं और कहते हैं भवता सख्य कामौतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ प्रतिगृह्यार्चयस्त्वैतौ पूजनीयतमावुभौ। हनुमान जी कहते हैं ये दो भाई राम और लक्ष्मण हर प्रकार के सम्मान के पात्र हैं, वो आपका मैत्री ढूंढते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और तब यहाँ पर हनुमान जी राम और लक्ष्मण को प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवम नाथमिच्छति। हे सुग्रीव यहाँ पर मेरे साथ राम हैं, लोकनाथ हैं, लेकिन सुग्रीव को अपने नाथ के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। धर्मज्ञश्च शरण्यश्च, ये धर्मज्ञ हैं, पूरे विश्व को शरण देते हैं, लेकिन आपका शरण लेना चाहते हैं। सुग्रीवम नाथम इच्छति, सुग्रीवम नाथम इच्छति। तो बारंबार ये सुग्रीवम नाथम इच्छति क्यों कह रहे हैं? सुग्रीवम नाथम इच्छति इसलिए कह रहे हैं कि ग्रीव अर्थात गला, कंठ, सुग्रीव अर्थात सुंदर कंठ वाले। कंठ से क्या प्रकट होता है? शब्द। शब्द किसके अंतर्गत चलता है? वायु। वायु के माध्यम से शब्द प्रतिध्वनित होता है। तो सुग्रीव अर्थात सुंदर कंठ वाले, जिस कंठ से
निकलते हैं उनके चार मंत्री, जो कि शब्द के चार पहलू हैं। शब्द के चार पहलू कौन से हैं? पश्यन्ति, परा, वैखरी, मध्यमा, और जो प्रकट होते हैं उसको कहते हैं वैखरी। परा पश्यन्ति मध्यम, परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी। हनुमान जी शब्द के तीन पहलू अप्रकट होते हैं। जब भी हम शब्द बोलने का विचार करते हैं, सबसे पहले वो हमारे नाभिस्थल में प्रकट होता है आइडिया, फिर वो हमारे हृदय स्थल पर आता है, फिर हमारे कंठ पर आता है, फिर बाहर प्रकट होता है। तो चार पहलों में केवल एक पहलू को हम सुन पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। हनुमान जी उस पहलू के प्रतीक हैं, शब्द के प्रतीक हैं। जब जीव को मन देह के अंदर बंदी बना लेता है, भगवान के मन में संशय उत्पन्न होता है कि जीव मेरे पास पुनः संबंध स्थापित करना चाहता है अथवा नहीं, ऐसे संशयग्रस्त अवस्था में भगवान कहते हैं, जिनके साथ संबंध टूट चुका है, स्खलित हो चुका है, जिनके साथ रिलेशन खराब हो गया, उनके साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, मिडिलमैन लगेगा, मध्यस्थ लगेगा। इसलिए रामचंद्र जी इस संशयग्रस्त अवस्था में हनुमान जी को संदेशवाहक के रूप में भेजते हैं, जो संदेश देकर सीता मैया के मन में क्या प्रस्ताव है उसे लेके आए, और अगर प्रस्ताव सकारात्मक हो, संबंध जोड़ने वाला हो, तो इस शरीर से उस जीव को भगवत धाम लेने के लिए पूरी सेना उतारनी पड़ेगी। उस सेना को कहते हैं वानर सेना। वानर अर्थात क्या? जो दिखने में नर हो, दिखने में मनुष्य जैसा ही करतूत करे। कल मैंने बताया ना, फ्रूटी दो तो देगा। प्रभुपाद जी का जूता उठा के बंदर ले गया, पेड़ पे बैठ गया, भक्त लोग डंडा लेके गए, प्रभुपाद ने कहा रहे नहीं भैया, डंडा मार के जूता नहीं मिलेगा। प्रभुपाद केला लेके गए और बंदर को ऐसे दिखाए केला, बंदर वहां से जूता दिखाता है। प्रभुपाद फिर केला ऊपर उठाए, बंदर जूता और पास में लाया। प्रभुपाद जी केला और पास में लेके गए, बंदर केला खींच लिया, जूता भी रख लिया। प्रभुपाद ने कहा देखो कितना बुद्धिमान है, आहार निद्रा भय सब जानते हैं ये, इनको कोई हरा नहीं सकता। फिर कुछ समय के पश्चात जूता को चबाकर उसने जूता नीचे फेंक दिया। वो जूते को अभी भी प्रभुपाद के शिष्य ने अमेरिका में कांच के एक एग्जीबिशन में रखा है अपने घर पर। तो वानर अर्थात देखने में वो मनुष्य जैसे करतूत करेगा, उसको देखकर लगेगा मनुष्य है क्या। वा अर्थात प्रश्न पूछना। तो जैसे बंदर नर जैसी करतूत करता है लेकिन वास्तव में पशु है, वैसे ही वैष्णव मनुष्य जैसा आदान प्रदान करते हैं लेकिन वास्तव में दिव्य हैं। वैष्णव दिव्य विभूति हैं, नर नहीं। इसलिए वैष्णवों को देखकर भी लगता है वा नर, क्या ये नर है? नर दिखते हैं लेकिन वास्तव में शुद्ध हैं, अति मानवीय हैं, इस जगत से परे हैं। एम्स्टरडैम में डीटी की इंस्टॉलेशन हो रही थी, प्रभुपाद वहां पहुंचे, देखा सब नवदा भक्त हैं, सब ऊट पटांग, डीटी इंस्टॉलेशन की कोई तैयारी नहीं की है। प्रभुपाद ने कहा भाई यज्ञ के लिए फल कहाँ हैं, तो प्रेसिडेंट ने कहा फ्रूट सलाद में डाल दिया। फिर प्रभुपाद ने पूछा ये कहाँ है, वो नहीं था, वो कहाँ है, नहीं था। अचानक ऑल्टर के पीछे से जोर जोर से आवाज आने लगी, जैसे कुछ ठोक रहा हो, ढम 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 ढम। प्रभुपाद भागे भागे कर्टन के पीछे ऑल्टर में देखे, तो देखा कि भक्त लोगों ने ऑल्टर का साइज छोटा और जगन्नाथ थोड़े बड़े हो गए थे, इसलिए जगन्नाथ को धक्का मार कर अंदर कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग मूर्ख। बोले क्या करें, थोड़ा आधा इंच एडजस्ट करना है, तो थोड़ा मारेंगे हो जाएगा।
प्रभुपाद ने कहा रहे विग्रह है, इनको ऐसे नहीं करते, ऊपर का भाग काट डालो। भक्त लोग बोले लेकिन सबसे सुंदर तो वही पार्ट। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी गलती हो चुकी, बाद में एडजस्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन खुले ऑल्टर में होगा। तो ऊपर का काट डाला, उसको लेकर भक्त लोग बाहर निकले, मीडिया बैठी थी, उनको लगा यही इंस्टॉलेशन का पहला पार्ट है, वो कमेंट्री देना शुरू कर दिए। फिर प्रभुपाद क्रोधावेश में बाहर आए, बहुत अपसेट थे, ये क्या हुआ, उठपटांग किया। प्रभुपाद बाहर आके चिल्लाने लगे, विच रास्कल इज रेस्पॉन्सिबल, विच रास्कल, एवरीथिंग इज अ मेस। ऐसा बोल के प्रभुपाद बैठे गुस्से में। प्रभुपाद के पीछे एक हिप्पी बैठा था, वो प्रभुपाद को पीछे से ऐसे करता है, प्रभुपाद पीछे मुड़े, हिप्पी प्रभुपाद को माला देता है, बोलता है डोंट बी एंग्री, चैंट हरे कृष्णा। और प्रभुपाद चुपचाप माला ले लिए। तो कभी कभी वैष्णवों को देखकर भी लगेगा ये कोई सामान्य है क्या। तो प्रभुपाद ने कहा भाई समुद्र के ऊपर लहरें दिखेंगी लेकिन समुद्र की गहराइयों में प्रशांत है वो। इसलिए आप लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कभी कभी आप लोगों की आलोचना करनी पड़ती है लेकिन अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं। इसलिए वानर सेना अर्थात वैष्णवों की सेना, वैष्णवों की सेना को लेकर ही वास्तव में हम किसी भी जीव का बचाव कर सकते हैं। तो हनुमान जी के विषय में वर्णन आया है कि अंजना नाम की एक अप्सरा संबसाधन नाम के असुर से भाग रही थी। केशरी ने उनको रोका और संबसाधन ने एक हाथी का रूप धारण किया और फिर केशरी उनके सर को पीटने लगे। तब तक अंजना समझ गई बचना हो तो शिवजी का आश्रय लेना होगा। शिवजी का आश्रय लिए, शिवजी धनुष और बाण के साथ वहाँ प्रकट हो गए, संबसाधन का नाश हुआ। सब ऋषि मुनिगणों ने कहा अंजना का विवाह केशरी से कर दिया जाए। विवाह के पश्चात शिवजी उनके ही गर्भ में अपने अंश के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, पूर्व काल में पुंजिका स्थली नाम की एक बृहस्पति की कन्या थी और तब एक गंधर्व उनका भोग करने के लिए आए और तब पुंजिका स्थली का मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। बृहस्पति को मालूम पड़ा, बहुत क्रोधित होकर बोले आपका मन बंदर की तरह यहाँ वहाँ भटक रहा है, वानर योनि में जन्म लो। तो तब जाकर वो अंजना बनी कुंडल नाम के एक वानर की पुत्री के रूप में और केसरी की पत्नी बनी। तब पुंजिका स्थली ने बृहस्पति से जब आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, आपके अंदर शिवजी का ही अंश प्रकट होगा। सती ने शिवजी को पूछा भाई आप एक वानर योनि में अंश बन के जा रहे हो क्यों? तो शिवजी ने कहा वानर के अंदर एक बहुत बड़ा सद्गुण होता है। क्या है? दो सद्गुण है वानर के, पूरी तरह विरक्त होते हैं और दूसरे निर्लज होते हैं। सेवा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अगर सेवक के मन में अभिमान हो, अरे ये सेवा में मैं कैसे लगूंगा, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे स्टैंडर्ड के नीचे है, लोक लज्जा होगी, है ना, लोग जो है आलोचना करेंगे, ये सब बातें मन में रहेगी, उत्कृष्ट सेवा नहीं कर सकते। सेवक को चाहिए निर्लज हो, जो भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं इस प्रकार सेवक, उत्कृष्ट सेवक बनने के मूड में विस्तारित हो रहा हूँ। तो सती कहती है अगर आप शक्तिमान हो तो मैं भी शक्ति हूँ, मैं उस वानर के पूंछ के स्वरूप में प्रकट हो जाऊंगी और उसकी शक्ति उस पूंछ में होगी। इसलिए तब जाकर हम देखते हैं हनुमान जी ने पूंछ से क्या क्या पराक्रम किया। तो अब हनुमान जी रामचंद्र जी को कह रहे हैं, यहाँ पर जो
श्लोक हमने जो कहा कि राम और लक्ष्मण आपका आश्रय लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुग्रीव इस बात को स्वीकार करने के लिए इतना तैयार नहीं। अभी भी राम और लक्ष्मण को घूर घूर कर देख रहे हैं, उनकी आंखें घूम रही हैं। राम और लक्ष्मण हनुमान तीनों को समझ गया, अभी भी भय से कांप रहे हैं। ये रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो हनुमान जी उनको बगल में लेकर कहते हैं कि देखिए सुग्रीव जिंदगी में इतना पिटा है कि निरंतर भयभीत रहता है, आत्मविश्वास उसका लगभग शून्य प्राय हो चुका, इसलिए इनकी बातों का बुरा मत मानना। फिर हनुमान जी सुग्रीव को बगल में लेके चलते हैं और कहते हैं कि भाई ये रामचंद्र साक्षात धर्म हैं, जैसे ही मैंने उनको देखा उनकी पूजा करने की इच्छा हुई, मेरी सारी हड्डियां पिघलने लगी। अरे सुग्रीव, राम एक 56 भोग की भांति संतोष देने की क्षमता रखते हैं और दिव्य औषधि की भांति हर रोग को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे सुग्रीव, राम का आश्रय लो, आपकी विडंबना को दूर करेंगे, आपको जीवन में आश्रय प्रदान करेंगे। हाँ, मैं जानता हूं आपके मन में भय है, लेकिन ये राम और लक्ष्मण आपका आश्रय लेने के लिए आए हैं, कृपा करके उसे स्वीकार कीजिए। तो फिर सुग्रीव सोचते हैं कि चलो भाई, बार बार कह रहे हैं। अब हनुमान जी सन्यासी का रूप धारण किए थे, सुग्रीव मनुष्य का रूप धारण किए थे, और जब कब हम लोग अपना आइडेंटिटी खो देते हैं तो अब आत्मविश्वास खो देते हैं। अब सुग्रीव वापस वानर का रूप धारण किए और रामचंद्र को कहते हैं, आप मुझसे मैत्री करना चाहते हो, मैं वानर होते हुए भी, आप मनुष्य होते हुए मुझसे मैत्री करना चाहते हो। रामचंद्र कहते हैं, देखिए भाग्य हम दोनों को एकत्रित लाया है, हम दो भाई एक ही प्रकार की विपत्ति में हैं, हम दोनों पारिवारिक रूप से एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, लेकिन जब दो लोगों के बीच कोई संबंध न हो, पूर्व ज्ञान न हो, परिचय न हो, लेकिन दोनों के समान रूप के विकट विपत्ति पूर्ण समस्या हो, परिस्थिति हो, तो ऐसे मैत्री से दोनों की विपत्ति घटती है। राम और सुग्रीव दोनों अग्नि के ऊपर अपना हाथ रखे और अग्निदेव के सामने शपथ लेते हैं कि हम एक दूसरे का सहारा देंगे, एक दूसरे के मित्र हैं, हम दोनों के शत्रु होंगे, सुख दुख संपत्ति विपत्ति हर परिस्थिति में हम एक दूसरे का सहारा लेंगे। और तब ये श्लोक आता है, ततोग्निम दीप्यमानम तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वम् उपागतौ। सुग्रीव और राघव उस अग्नि की प्रदक्षिणा किए और एक दूसरे के मैत्री को औपचारिक रूप दे दिया। अच्छा, अब सुग्रीव कहते हैं राम को, प्रभो मैं संकल्प करता हूं कि मैं आपकी सेवा में मैथिली को लौटा के आपको प्रस्तुत करूंगा, जैसे वेदों को लौटा के लाया गया था। रामचंद्र कहते हैं, मैं संकल्प करता हूं कि हे सुग्रीव, आपके शत्रुओं का मैं दमन करूंगा, चाहे वो शत्रु पृथ्वी में हो, आसमान में हो, कहीं पर भी हो। तब प्रभु रामचंद्र जी को आसन देते हुए, एक वृक्ष की लता तोड़ते हुए सुग्रीव रामचंद्र जी को आसन ग्रहण करने का निमंत्रण देते हैं, कहते हैं और बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। रामचंद्र जी को आसन दिया। सुग्रीव ने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती थी?
लक्ष्मण को आसन नहीं दिया, लक्ष्मण को आसन नहीं दिया, हनुमान और रामचंद्र दोनों इस बात को नोट किए, दोनों कुछ कुपित हुए। और तब जैसे ही सुग्रीव और रामचंद्र के इस मैत्रीपूर्ण संबंध को एक औपचारिक रूप अग्नि की प्रदक्षिणा के माध्यम से दिया, उस समय तीन लोगों के बाएं आंख फड़फड़ाए। सीता का बाया आंख फड़फड़ाया, रावण का बाया नेत्र फड़फड़ाया और वाली का बाया नेत्र फड़फड़ाया। तो प्रश्न उठता है कि अंतर क्या था? तो महिला का अगर बाया आंख फड़फड़ाए वो शुभ होता है, और जब पुरुष का बाया आंख फड़फड़ाए वो अशुभ होता है। तो इसलिए वाली और रावण के लिए संकेत था कि उनका अंत निकट है। रामचंद्र लक्ष्मण को कहते हैं कि सुग्रीव के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उनकी शक्तियां क्या है। रामचंद्र लक्ष्मण को कहते हैं, सुग्रीव की पहली शक्ति है हनुमान जैसे मंत्री उनके पास हैं, जो कि विश्वास पात्र हैं, शक्तिशाली हैं, ज्ञानवान हैं, सामर्थ्यवान भी हैं, चरित्रवान भी हैं। शिक्षा का अर्थ केवल यह नहीं कि हमें सामर्थ्यवान बनाए, शिक्षा का अर्थ है सामर्थ्यवान के साथ चरित्रवान भी बनाए। दूसरे रामचंद्र कहते हैं, हे लक्ष्मण, सुग्रीव का दूसरा सद्गुण जो मुझे बहुत आनंद दिया वो है उनकी सरलता। कितनी सरलता के साथ उसने मेरे सामने स्वीकार कर लिया कि भाई वाली ने मेरी भयंकर पिटाई की, मेरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। तीसरा, ये सूर्य के पुत्र हैं और इसलिए दूसरों को प्रेरणा देने की क्षमता रखते हैं, जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रेरित करती हैं, ऊर्जा देती है। तो अगर इनको सही समय पर सही पद दिया जाए तो ये विशाल सेनाओं को प्रेरणा दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, सूर्य की कांति की भांति प्रेरणा देने का सामर्थ्य इनके अंदर है। चौथा, बहुत महत्वपूर्ण, काल के प्रभाव से सुग्रीव बहुत ही नम्र हो चुके हैं, इतनी पिटाई झेली है कि वो नम्र हो गए। तो हाँ, भले वो कुछ उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करता है और कुछ कभी कभी सही समय पर सम्मान नहीं करता, लेकिन फिर भी ये इनके अंदर चार सद्गुण हैं। वाले के अंदर है लक्ष्मण चार दुर्गुण क्या है? पहला, क्योंकि इंद्र का पुत्र है, उनके अंदर स्वतंत्र रूप से राज करने की एक आदत है, ऑटोक्रेसी, बिना किसी का मत लेकर एक मत स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, इसलिए खुद कर लेगा, सेना को नहीं संभाल सकता। दूसरा, रावण के संग से इंद्र तृप्ति की बड़ी आदत हो गई है उसको, रावण से सीखा है उसने। तीसरा, उसे अपने शक्ति पर बड़ा अभिमान है, गर्वीला है, काल के प्रभाव से वो नम्र नहीं हुआ है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण वीकनेस क्या है? मातंग ऋषि का अभिश्राप प्राप्त करके इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, फूंक मारो गिर जाएगा। किसी संत का अभिश्राप किसी ने प्राप्त किया तो उसकी सारी शक्तियां एक ओर और ये श्राप दूसरी ओर। इसलिए वाली और सुग्रीव में सबसे बड़ा अंतर क्या है? वाली अनट्रेनेबल है, हनुमान जी सुपर ट्रेंड है। वाली अनट्रेनेबल है, हनुमान जी सुपर ट्रेंड है, दोनों के बीच सुग्रीव है, ट्रेनेबल है। तो इसलिए सुग्रीव प्रशिक्षण के योग्य है। इसलिए अयोध्या कांड को कहते हैं, जो तीन प्रकार के लोक बताए गए हैं, अयोध्या, किष्किंधा और लंका,
तो अयोध्या में सब परिपूर्ण है, लंका में सबकी दुर्गति है, किष्किंधा बीच का है। जैसे संग मिलेगा वैसा वो परिवर्तन होगा। तो सुग्रीव तब रामचंद्र को कहते हैं, प्रभो लगता है सीता देवी आसमान के मार्ग से किसी के द्वारा अपहरण होके जा रही थी, उस समय कुछ उन्होंने आभूषण फेंके इस वस्त्र में। ये आभूषण को अगर पहचान लो तो पता पड़ जाएगा वो सीता ही थी। खोल के देखा, और जब खोल के देखा तो रामचंद्र नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करने लगे, लक्ष्मण देखो सीता देवी के नूपुर, सीता देवी के कंगन, सीता देवी के कुंडल, पहचान रहे हो कि नहीं? और तब लक्ष्मण ये श्लोक सुनाते हैं, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि, नित्यं पाद अभिवंदनात्। हे प्रभो, मैं तो सीता देवी के चरणों का ही निरंतर मनन स्मरण करते हुए मैं केवल उनके नूपुर को जानता हूँ। कभी मैंने उनके कुंडल, कंगन और चरणों के ऊपर के किसी भी आभूषण को ही नहीं देखा। और रामचंद्र कहते हैं, इतने पारदर्शी, निष्कलंक, शुद्ध चरित्र रखते हुए भी कैसे सीता ने आपको ऐसा आरोपित किया? फिर रामचंद्र पूछते हैं सुग्रीव को, सीता देवी को किस दिशा में लेके गए? अब यह सुग्रीव के लिए परीक्षा थी। सुग्रीव उत्तर देते हैं इस श्लोक में, न जाने निलयम तस्य सर्वथा पाप रक्षस सामर्थ्यम विक्रमं वापि दौष्कुले यस्य वाकुलम। मैंने देखा एक राक्षस लेके जा रहा था, लेकिन न मैं जानता हूं कहाँ लेके गया, वो कौन है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसका निवास स्थान क्या है। सफेद झूठ मार दिया सुग्रीव ने। सुग्रीव बराबर साधक जैसे बहुत सारे प्रेरणादायक हमको उनके अंदर मिलेंगे। सुग्रीव के साथ हम सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि गलती करते ही रहते हैं, है कि नहीं? तो सुग्रीव जानते थे कि रावण ही था, लंका उस तरफ लेके गया होगा, मतलब रावण अपने साथ ही लेके गया होगा, और क्या। लेकिन सुग्रीव के मन में असुरक्षा क्या थी, अगर मैंने अभी बता दिया कि वो रावण और वहां पे लंका और दक्षिण की दिशा में, रामचंद्र मुझे छोड़ के सीधा भागेंगे अकेले ही रावण को मारने, और फिर वाली का क्या होगा? तो पहले मैं चाहता हूं कि वो वाली का वध करे, मेरा काम पूरा हो, फिर हम उनका करेंगे। तो सुग्रीव के मन में बराबर ये भाव था। अब रामचंद्र जी कहते हैं कि बताइए ये वाली कितना शक्तिशाली है, उसके विषय में पूरी जानकारी मुझे दीजिए। तो कहते हैं वाली बड़ा शक्तिशाली है, और जब उनको मालूम पड़ा कि अंजना पुत्र उत्पन्न हो रहा है तो उनके मन में असुरक्षा की भावना आ गई, और बहुत सारे मेटल्स, धातु उन्होंने खिला दिए अंजना के गर्भ में उस पुत्र को समाप्त करने। लेकिन वो पुत्र प्रकट हुआ हर प्रकार के सुंदर कुंडलों के साथ जब हनुमान जी प्रकट हुए। अब फिर और वाले को चिढ़ आई जब सुग्रीव के निकट उनकी सेवा करने लगे हनुमान जी। तो एक दिन वाली ने सोचा कि मैं हनुमान को समाप्त करूंगा, आक्रमण किया हनुमान जी के ऊपर, और तब हनुमान जी उनको बुरी तरह पिटाई करके वृक्ष के नीचे पूरी तरह दबा दिए। और तब वाली ने उनसे क्षमा याचना की। उस वन के बीचों बीच वाली का हनुमान जी ने जिस प्रकार से अपमान किया किसी ने नहीं देखा,
वाली ने भी कभी किसी को बताया नहीं, चुपचाप शेक हैंड करके चले गए। वो जानते थे कि जब तक हनुमान जी सुग्रीव के साथ हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वाली ने उस दुंदुभी असुर को मारकर उसके मृत शव को उठाकर जब मतंग ऋषि के आश्रम में फेंका, जब उनको अभिश्राप मिला, तब जाकर हम यहाँ पर सुरक्षित ऋषिमुख पर्वत में रह पा रहे हैं। तो रामचंद्र पूछते हैं सुग्रीव के साथ आपका और उनका युद्ध कैसे हो गया। तो सुग्रीव कहते हैं अरे एक असुर के पीछे वो भागा था, मैं भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था। उस असुर को पीछा करते करते वो एक गुफा के अंदर घुसे और गुफा के अंदर इतनी दूर चले गए, बहुत देर के बाद मुझे लगा कि पता नहीं वो बाहर निकलेंगे कि नहीं। मैंने कहा वाली को अंदर मत जाओ, वाली ने कहा नहीं तुम यहीं पर खड़े रहो और मेरे आने की प्रतीक्षा करते रहो। ऐसा कह के चले गए और एक साल में प्रतीक्षा करता रहा। मुझे लगा शायद पाताल लोक में जाकर दूसरे लोगों ने हत्या तो नहीं कर दी, वाली लौट के नहीं आए। तो मैंने कहा कि चलो भाई एक इस गुफा के ऊपर पत्थर रख कर हम चले जाते हैं। गुफा पे पत्थर रख दिया जिससे कि वो असुर वापस न लौटे, और ऐसा विचार करके वो वापस आए और किष्किंधा में आए तो सबने कहा कि अब वाली नहीं तो आप ही को राजा बना देंगे, आपको राजा बना देते हैं। सुग्रीव को राजा बना दिया। लेकिन एक साल के पश्चात वाली येन केन प्रकारेण गरजते हुए राजमहल में प्रस्तुत हो गए, राज दरबार में मेरे सामने आकर मेरी ऐसी पिटाई करने लगे। मैं बार बार उसको कह रहा था कि भाई मुझे गलत फहमी थी कि शायद आपकी हत्या हो गई और वो असुर ना आए इसलिए हमने वो पत्थर रखा। वाली ने कहा नहीं, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे रोकने के लिए वो पत्थर तुमने रखा, नहीं छोड़ूंगा तुमको। और पूरी भरी सभा में संपूर्ण प्रजा के सामने मेरी पिटाई इस तरह बुरी तरह की, वो तो मुझे मार ही देता लेकिन मुझे याद था कि ऋषिमुख पर्वत वाली मातंग ऋषि का अभिश्राप, तो मैं वहां पर आकर बच गया। और वाली ने बलपूर्वक मेरी पत्नी रुमा को हस्तगत कर दिया और तब से मैं यहाँ पीड़ित अवस्था में बैठा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। केवल दैववश कब मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आए उसकी बस प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब रामचंद्र जी सुग्रीव की इस अवस्था को समझकर उनको आश्वासन दिए, सुग्रीव अब आपके और हमारे बीच में इतना घनिष्ठ मैत्री उत्पन्न हो चुका है, मैं संकल्प करता हूँ कि वाले का वध मैं करूंगा। रामचंद्र जी ने कहा, लेकिन सुग्रीव के मन में संशय था। बहुत आत्मविश्वास के साथ राम कह रहे हैं, लेकिन वाले को देखा नहीं, उसकी पिटाई अभी तक चखे नहीं, मुझे डाउट है कि ये राम के अंदर इतना सामर्थ्य है कि नहीं। तो चलते चलते रामचंद्र भी सुग्रीव के मन में क्या संशय चल रहा समझ गए। मातंग ऋषि के पुराने आश्रम के पास आए ही थे, दुंदुभी का पुराना विशाल काय मृत शव पड़ा हुआ था। राम ने सोचा सुग्रीव के मन में मेरी शक्ति के विषय में विश्वास उत्पन्न करने के लिए कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने अपने दाएं पैर के अंगूठे के अग्रभाग से उस दुंदुभी के मृत शव को उठा के फेंका, वो कहां गायब हो गया दिखा ही नहीं। सुग्रीव देख के इंप्रेस हो गया, सारे दूसरे वानर भी इंप्रेस हो गए, प्रभावित हो गए। लेकिन फिर सुग्रीव सोचने लगा, वाली ने तो जीवित दुंदुभी को मारा, ये तो शव है, वजन कम होता है। राम सोच रहे थे नालायक, मानता ही नहीं मेरी बात। दोनों मानसिक रूप से ही चल रहा था। समाज में होता है, मन में हम कुछ सोचते हैं, मुख में कुछ और होता है। कोई कहता है सेवा करोगे, हम कहते हैं बताइए ना, अंदर सोचते मर गया मैं। कितनी सेवा करना चाहते, बस दिन रात सेवा ही करना चाहता हूं, बोले फिर पीछे पड़ गया मेरे। तो बोलते कुछ है, मन में कुछ और चलता है। तो अब लक्ष्मण भी समझ रहे थे कि ये क्या सोच क्या रहा है। तब सप्तताल वृक्ष के निकट आए, जो सप्तताल वृक्ष वास्तव में
मणिभा के सात पुत्र थे, अगस्त ऋषि को भ्रमित करने के लिए मायासुर से एक उन्होंने मायावी सर्प बनाकर उसके ऊपर खड़े होकर उस सर्प को चारों तरफ से अगस्त ऋषि को दबाने का प्रयास में थे। तब अगस्त ऋषि ने उनको अभिश्राप दिया, सात ताल वृक्ष बनो। तब क्षमा याचना की तो कहा रामचंद्र आएंगे मुक्त हो जाएंगे, तो वो समय आ गया था। सप्तताल वृक्ष के निकट आकर रामचंद्र जी सुग्रीव को मुड़कर कहते हैं, सुग्रीव आपका विश्वास जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा कि आपके मन में विश्वास आ जाए कि वाली का वध करने में मेरे अंदर सामर्थ्य है, बताइए क्या करूं। तो सुग्रीव कहते हैं ये सात ताल वृक्ष हैं, तो वास्तव में इन सात ताल वृक्षों का भेद पाओ तो फिर मेरा विश्वास आ जाएगा। रामचंद्र जी ने एक बाण लिया और उस धनुष पर चढ़ा के यूं चलाया, वो न केवल सात वृक्षों को भेद के गया, 14 लोकों की परिक्रमा करके वो बाण आकर रामचंद्र जी के तरकस में बैठ गया। तब सुग्रीव चरणों में गिर पड़े, बोले अब तो मैं समझ गया कि आप वास्तव में सक्षम हो वाली का वध करने। इसलिए रामचंद्र जी ने देखा किष्किंधा में एक असुर वृत्ति का व्यक्ति है वाली, और लंका में एक सुर वृत्ति का व्यक्ति है विभीषण। इसलिए किष्किंधा में एक व्यक्ति को मारने की आवश्यकता है और लंका में एक व्यक्ति को बचाने की आवश्यकता है। ये रामचंद्र जी का मिशन रहा। अब यह श्लोक आता है कि सुग्रीव विश्वास के साथ रामचंद्र को बोलते हैं कि चलो मैं अब वाली को ललकारता हूं, आप मेरे साथ हो ना। राम बोलते हैं मैं बिल्कुल हूं, सुग्रीव आगे बढ़ो। सुग्रीव आगे बढ़ के जाते हैं और वाली के राजमहल के सामने खड़े होकर जोर से चिल्ला दे, वाली कायर कहीं के बाहर निकल। और वाली का एक वीकनेस था, वाली गाली नहीं सहन कर पाता, किसी की गाली सुनता तो इतना क्रोधित हो जाता कि सब कुछ छोड़ के भागता। तो तब यह श्लोक आता है, सुग्रीवो व्यदनत घोरम वालिनो अह्वना करणात् गाढ़म परहितो वेगात् नादैर्भिन्दन् इवाम्बरम्। सुग्रीव अपने वस्त्र को टाइट करके जाकर जोर से उच्च स्वर में चिल्लाता है, वाली आजा, युद्ध के लिए तुझे ललकार रहा हूं। अब वाली को लगा कि भाई ये क्या, सुग्रीव के अंदर इतना साहस, दारू पी के तो नहीं आया है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सुग्रीव चिल्लाए जा रहा है, वाली का पारा चढ़ गया, सीधा बाहर आए और सुग्रीव को बुरी तरह पिटाई करना आरंभ कर दिए। रामचंद्र दोनों के युद्ध को देख रहे थे। रामचंद्र लक्ष्मण को कह रहे थे, देखो लक्ष्मण कहां वानरों के लीला में हम लोग फंसे हैं, यहां एक वानर राजा अपने भाई की पत्नी को हस्तगत करता है, एक राजा अपने अनुयायियों के कमियों को क्षमा नहीं कर पाता, और एक भाई अपने भाई को दूर कर देता है, ऐसा वाली है ये। अब तब देख रहे थे सुग्रीव और वाली एक दूसरे को बहुत बुरी तरह आक्रमण करके पिटाई कर रहे थे, लेकिन पिट रहे थे सुग्रीव, हाथ दोनों चला रहे थे लेकिन पिट रहे थे सुग्रीव। तो रामचंद्र कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, इस पिटाई को देखकर मुझे क्या साक्षात्कार मिल रहा है कि दो वानर एक दूसरे के सामने आए तो पिटाई नहीं करें तो क्या करें, अर्थात दो एक दूसरे को देखकर मारपीट करें वो बंदरों की तरह ही है,
मानव नहीं। दूसरा, लक्ष्मण अगर विश्व के सारे छोटे भाई सही व्यवहार करेंगे और सुग्रीव जैसा गलत काम नहीं करेंगे तो विश्व कैसे लक्ष्मण जैसे अनुज के महानता को समझ पाएंगे। तो इसलिए कभी अनुज छोटा भाई अगर कुछ गलती करता है सुग्रीव जैसे, तो समझना है कि भाई लक्ष्मण जैसे आदर्श छोटे भाई इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। और फिर रामचंद्र कहते हैं लक्ष्मण दो भाइयों के बीच भी संबंध में कड़वापन आने में देर नहीं लगती। फिर रामचंद्र कहते हैं लक्ष्मण दो महान राक्षस थे जिनका नाम था सुंद और उपसुंद, ब्रह्मा जी को तप के माध्यम से संतुष्ट किया, ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए, कहते हैं वर मांगो। सुंद और उपसुंद कहते हैं हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है, मेरे स्कोप के बियॉन्ड है, कुछ और मांगो। वो कहते हम चिर आयु काल रहना चाहते हैं, किसी शत्रु के द्वारा हमारा किसी प्रकार हनन न हो, कोई देवता कोई असुर कोई ये किसी भी परिस्थिति में हमारी मृत्यु न हो। तो ब्रह्मा ने कहा मृत्यु तो होनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक कंडीशन पर हम मरेंगे, अगर उपसुंद मुझे मारेगा, सुंद कहता है, और उपसुंद कहता है अगर सुंद मुझे मारेगा, हम एक दूसरे को मारेंगे तब हम लोग मर सकते हैं। और दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके खड़े थे क्योंकि एक दूसरे के प्रेम और मैत्री पर इतना आत्मविश्वास था कि हमारी इतनी मैत्री है, इतना अच्छा संबंध है कि कौन बिगाड़ सकता है। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी के तथास्तु में देवताओं की बैंड बजती है। सुंद और उपसुंद 33 कोटि देवताओं के ऊपर आक्रमण घोषित कर दिए, कोई मार ही नहीं पा रहा था, सब ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी फिर आपने अपना आशीर्वाद से देखो क्या कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं तैयार करता हूं एक सुंदर अप्सरा जिसका नाम है तिलोत्तमा, उत्तम हो जो। तिलोत्तमा को भेज दिया सुंद और उपसुंद के सामने। उपसुंद तिलोत्तमा को आते हुए देखकर कहते हैं अरे देखो 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 कितनी सुंदर नारी है। सुंद कहते हैं नारी नहीं तुम्हारी भाभी है। तो उपसुंद कहते नहीं वो मेरी है, वो मेरी है। और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और दोनों ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। तो रामचंद्र कहते हैं लक्ष्मण को कि अरे लक्ष्मण आप जैसा भाई मुझे मिला, यह भी परम सौभाग्य है मेरा। तो रामचंद्र का यह रनिंग कमेंट्री चल रहा है, जब वाली सुग्रीव को उखल में कूट रहे हैं जैसे मसाले को कूटते हैं वैसे कूट रहे हैं, और रामचंद्र बड़े शांत भाव से कमेंट्री दे रहे हैं लक्ष्मण आप कितने ये हो वो, लक्ष्मण भी सुन रहे हैं। अब तब सुग्रीव का हृदय जोर जोर से धक धक कर रहा है, विश्वासघात। रामचंद्र ने कहा आगे बढ़ो मैं हूं, आगे तो बढ़ गया पीछे कौन, इतनी पिटाई हो रही है, राम कहां उनके बाण कहां, मेरा संरक्षण कहां, मेरे मन में आशा क्यों जागृत की रामचंद्र जी ने, मैं तो आता भी नहीं था, मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया, धोखाधड़ी हुई मेरे साथ। सुग्रीव ऐसा सोचकर अगली बार जब वाली ने धम से पटका नीचे, गेंद की तरह नीचे पटकने के बाद वो छलांग मारे और ऊपर के किसी वृक्ष पे चढ़कर वहां से वृक्ष किसी वृक्ष चढ़ते चढ़ते भाग के निकल गए, हाफते हुए वापस आए। बाकी उनके अनुयायियों को कहने लगे धका दिया, अरे अग्नि का परिक्रमा करके क्या क्या मैत्री वैत्री सब बोला सब भूल गए। और हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं रामचंद्र ऐसा नहीं करेंगे, कुछ तो कारण होगा। अरे क्या कारण होगा, इतना सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर हनुमान जी कहते हैं सीधा कंक्लूजन पे आना ठीक नहीं, किसी को जज नहीं करना चाहिए, ऐसे पूछ लेते हैं सामने सामने। तो रामचंद्र जी को सामने जब आए
तो ये श्लोक सुग्रीव कहते हैं। आह वयः स्वेति माम उक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणा घाटयित्वा च किम् इदानीं त्वया कृतम्। हे राम, आपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करके मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाया। आपने मुझे कहा चुनौती दो वाली को, और फिर वाली के हाथों मुझे पिटने के लिए छोड़ दिया निस्सहाय। क्यों किया आपने? किम इदानीम त्वया कृतम, क्यों आपने इस तरह से किया? इसके उत्तर में रामचंद्र कहते हैं, अभिज्ञानम कुरुष्वत्वम आत्मनो वानरेश्वर आत्मनो वानरेश्वर येन त्वाम् अभिजानीयाम् येन त्वाम् अभिजानीयाम् द्वन्द्वयुद्धम् उपागतम्। अरे सुग्रीव, आप और वाली दोनों एक समान दिख रहे थे, दोनों के बीच में अंतर नहीं ढूंढ पा रहा था। आप और वाली समान दिख रहे थे, बिल्कुल एक जैसे, और अगर मैं बाण चलाता, इतनी तीव्रता से आप लोग घूम रहे थे, और वाली के बदले अगर सुग्रीव आपको बाण लग जाती तो आपका साम्राज्य समाप्त हो जाता और मेरा मिशन भी समाप्त हो जाता। इसलिए, क्योंकि मेरे अंदर अनिश्चितता थी कि सुग्रीव कौन है, वाली कौन है, मैं 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं मारा। अच्छा, प्रश्न उठता है कि वाली के गले में इंद्र के द्वारा दिया गया एक हीरे का हार था। उस हार की विशेषता थी कि जब वो युद्ध करे तो उस हार के सामने जो आएगा, उस सामने प्रतिद्वंदी का 50% शक्ति वाली के अंदर चला जाएगा। तो वो हार तो था, स्पष्ट दिखता था अंतर क्या है, तो फिर ये कौन से अंतर की बात कर रहे हैं? कभी कभी बाहर के लोग भी आके कहते हैं, अच्छा आपको मैं मिला था ना, मेरे को आके बोलते हैं, लास्ट वीक में मिला था, मैं कहा मैं था ही नहीं, नहीं आप ही तो थे। हाँ, तो कई बार मेल आता है, दीन गौरांग का मेल मेरे को आ जाता है, गौरांग दर्शन का मेल दीन गौरांग को चला जाता है, सबको लगता है गौरांग एक ही होंगे। तो सब कई बार नए नए हम परिचय में नहीं रहते तो सब एक जैसे दिखते हैं। तो इसलिए रामचंद्र ने कह दिया कि भाई आप सब वानर एक जैसे दिख रहे थे, इसलिए संशय हुआ, लेकिन वास्तव में अंतर तो था, अलग तो लग रहे थे, चिन्ह भी थे दोनों के बीच भेदभाव करने के लिए। तो इसलिए दोनों के बीच अंतर शारीरिक नहीं, सुग्रीव और वाली शारीरिक रूप से अलग लग रहे थे और दोनों के बीच भेद करने के चिन्ह भी स्पष्ट थे। तो ऐसे कौन से अभेद की चर्चा रामचंद्र कर रहे हैं? रामचंद्र कह रहे हैं, सुग्रीव और वाली के बीच स्वभाव में और व्यवहार में अभेदता है, अर्थात दोनों के अंदर गर्व और दोनों के अंदर दूसरों को अपमान करने की वृत्ति है। वाली अपराधी है, सुग्रीव भी अपराधी है। आध्यात्मिक रूप से दोनों शून्य है, इसलिए दोनों समान है। गुरु और वैष्णव और आध्यात्मिक परंपरा की कृपा दोनों को नहीं मिली है, दोनों भौतिकवादी है, इसलिए समान है।
इसलिए दोनों अहंकारी हैं, इसलिए समान है। स्वेच्छा से केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, स्वार्थ के लिए काम करते हैं, इसलिए दोनों समान है। इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य 12 प्रकार के अपराध वर्णन करते हैं। पहला, जन्म निरूपण। किसी के जन्म के आधार पर, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, इस तरह उसके आधार पर अपराध करना। दूसरा वैष्णव अपराध, शरीर निरूपण। ये बंदर है, ये कुत्ता है, ये इस तरह है शरीर के आधार पर। तीसरा भाव निरूपण, ये ध्रुव छोटे से बच्चे हैं इसलिए मस्तिष्क इतनी उत्कृष्ट नहीं हुई। चौथा आश्रम निरूपण, ये आश्रम श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है। पांचवा अव्यय निरूपण, इनके शरीर के अंदर कुछ कमी आ गई, ये लंगड़ते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। छठा आलस्य निरूपण, ये ज़्यादा सोते हैं वैष्णव, ये ज़्यादा खाते हैं ऐसा सोचना। सातवां वास निरूपण, अर्थात ये इस देश में रहते हैं, ये धाम में रहते हैं, ये धाम वासी हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। ये बंबई वाला है बेकार है, धाम वाले ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। आठवां बंधु निरूपण, वैष्णव है लेकिन मेरे परिवार के हैं, परिवार वाले पहले हैं ना, इसलिए जो अपमान करना है करो, फैमिली में सब चलता है। नौवां प्रकाश निरूपण, हम केवल आचार्य गुरु को सम्मान करेंगे, बाकी सामान्य भक्त लोगों को नहीं। दसवां प्रकर निरूपण, ये डिवोटी गुरु के बहुत निकट है, इनसाइड सर्कल में है, राइट हैंड है, उसका सम्मान करेंगे, बाकी के तो आसपास गुरु दिखते भी नहीं, उनका क्या सम्मान करना। ग्यारहवां वर्तन निरूपण, इनका व्यवसाय ब्राह्मणों का है, अच्छा है, इनका व्यवसाय अरे बिजनेस है ठीक नहीं। बारहवां दोष निरूपण, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, दोष देखना शास्त्रों के पात्रों में, अरे द्रौपदी के 5 पति तो तेरा क्या जा रहा है, तो अपनी भक्ति कर। तो ये 12 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। तो सुग्रीव ने क्या अपराध किया था, लक्ष्मण के प्रति अपराध किया था, लक्ष्मण के प्रति अपराध किया था, और अपराधी थे राम को उन्होंने आसन दिया, लक्ष्मण को नहीं दिया। अब रामचंद्र कहना चाहते हैं, सुग्रीव अगर वाले का वध करके किष्किंधा के सम्राट के रूप में आपको अगर हम घोषित करेंगे, तो किसी नेता को, सम्राट को 3 प्रमुख गुण होने चाहिए। पहला, उनका चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, उनका साहस सबल होना चाहिए, और संकल्प महान होना चाहिए। चरित्र अर्थात पारदर्शिता होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, व्रत को पालन करने योग्य होने चाहिए। साहस का अर्थ क्या है, चुनौतियों से झेलने की, जूझने की क्षमता। और संकल्प का अर्थ क्या है, जो उत्तरदायित्व दिया जाए उसको पूर्ण करे और सेवा में पूरी तरह तत्पर रहे। जब तक चरित्र न हो, जब तक साहस न हो, और जब तक संकल्प न हो, बिना चरित्र के, साहस के, संकल्प के कोई नेता नहीं बन सकते, पद ग्रहण नहीं कर सकते। और इसलिए हे सुग्रीव, लक्ष्मण जैसे महानुभाव का अपमान करने के पश्चात बिना प्रायश्चित के आप वाले के बराबर ही हो, और किष्किंधा के सम्राट बनने के अयोग्य हो। इसलिए आशीर्वाद ही परम ऐश्वर्य है, आशीर्वाद ही वृद्धि का कारण है, आशीर्वाद ही संतुलन का कारण है। बिना आशीर्वाद के न ऐश्वर्य मिलेगा, न वृद्धि मिलेगी, न संतुलन होगा। बिना लक्ष्मण के आशीर्वाद के सुग्रीव तुम वाले के बराबर हो, तुम वाले के समान हो। ऐसा कह के उस समय रामचंद्र जी क्या करते हैं, रामचंद्र जी तुरंत वहां पर एक पीले वर्ण का पुष्प जो लता पे खिल रहा था उसको देखकर
लक्ष्मण को कहते हैं अगला श्लोक। गज पुष्पिम इमाम फुल्लाम, गज पुष्पिम इमाम फुल्लाम, उत्पात्य शुभ लक्षणाम, उत्पात्य शुभ लक्षणाम, कुरु लक्ष्मण कंठेस्य सुग्रीवस्य महात्मनः, सुग्रीवस्य महात्मनः। गजपुष्पीम, इस गजपुष्प लता को, पुष्पों से लदा हुआ पीले वर्ण के पुष्प, तो बाहरी रूप से कह रहे हैं अगर सुग्रीव के कंठ में ये पीले चमकते पुष्पों का हार लता लटकेगा तो मैं दोनों के बीच अंतर देख पाऊंगा। ये बाहरी कारण है। लेकिन शुभ लक्षणाम, मैं चाहता हूं कि लक्ष्मण गुरु के नाते सुग्रीव को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करे। कुरु लक्ष्मण कंठस्य, हां जब लक्ष्मण की कृपा सुग्रीव पर होगी तो उसके सारे अशुभ गुण शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे, अपमान करने की वृत्ति सम्मान में परिवर्तित होगा, धूर्तता नेकता में परिवर्तित होगा। सार्वभौम उपदेश छाड़ी राजवेश, एकले वैष्णव वेशे करिला प्रवेश। बारंबार तिरस्कृत करने के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेश के अनुसार प्रतापपुत्र महाराज वैष्णव वस्त्र धारण कर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में प्रवेश करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का सम्मान करते हुए सुंदर सुंदर श्लोक गोपगीत के सुनाते हैं। उसको सुनकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे के तुमी करिला मोरा हित, अचंबिते आसी पियाओ कृष्ण लीला अमृत। कौन हो, मेरा इतना हित क्यों कर रहे हो, कृष्ण लीला क्यों सुना रहे हो। राजा कहे आमे तुमार दासे रानो दास, भृत येर भृत्य कर ऐ मोर आश। प्रताप रुद्र महाराज कहते हैं, मैं आपके दासों का दास हूं, भृत्यों का भृत्य बनना यही मेरी आशा है। और इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे प्रताप रुद्र महाराज पर तत्क्षण कृपा की। पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजिला, अनुसंधान बिना कृपा प्रकाश कुरिला। बिना संकेत किए चैतन्य महाप्रभु ने अचानक प्रताप रुद्र महाराज पर कृपा की, क्योंकि पहले प्रताप रुद्र महाराज एक नम्र सेवक के रूप में आदान प्रदान किए थे। एई देख चैतन्य र कृपा महाबल, अनुसंधान बिना तारे कराए सफल। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि जब वो देखते हैं कि कोई नम्र सेवक बन रहा है तब उनकी कृपा तुरंत प्रकट होती है। अब सुग्रीव के अंदर ऐसा ही परिवर्तन रामचंद्र जी अपेक्षा करते हैं। लक्ष्मण ने उन्हें स्वीकार किया, लक्ष्मण ने उन्हें स्वीकार कर लिया तो अवश्य उनके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। यह है गुरु के चरणों का आश्रय लेने का प्रभाव और प्रताप। जब तक गुरु का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हृदय के अंदर परिवर्तन संभव नहीं। तो जब एक स्कूल के मास्टर शिला सरस्वती ठाकुर के पास आए, बोले दीक्षा दीजिए। सरस्वती ठाकुर ने कहा, तुम्हारी इतनी लंबी दाढ़ी जो है, जो पेट तक आ रही है, उस दाढ़ी को काटो, फिर हम देखेंगे। वो मास्टर कहता है, ये लंबी दाढ़ी तो मेरा गांव में पहचान है, मैं इसको काट डालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। सरस्वती ठाकुर ने कहा, आप दीक्षा लेना चाहते हो, भगवान का आश्रय लेना चाहते हो, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते तो नहीं दे सकते। कुछ दिनों बाद वो स्कूल मास्टर
साइकिल में जा रहे थे गांव में, अचानक साइकिल से नीचे गिरे और उनकी दाढ़ी साइकिल के पहिए में अटक गई। आसपास लोग आए, उनके उठाने का प्रयास किए, लेकिन दाढ़ी अटक गई थी पहिए में, वो निकल नहीं रहा था। तो सब लोगों ने कहा क्या करें, मास्टर ने कहा नहीं नहीं दाढ़ी को मत छूना, ये मेरी जान है। तो बोले भैया फिर आपको यहीं बैठे रहना पड़ेगा, साइकिल को उठा के कैसे लेके चलें, दाढ़ी को ही काटना पड़ेगा। तब फिर जाकर जब दाढ़ी को शेव किया तब फिर वो सरस्वती ठाकुर के पास आए, बोले मेरा भ्रम टूट गया, अब मैं आश्रय लेने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए गुरु का आश्रय अर्थात पूर्व हमने जो कुछ भी संकल्पनाएं की हैं उसे कई बार त्यागनी पड़ती हैं। प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे थे, प्रभुपाद ने पूछा कृष्ण कौन है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कैसे पता, क्यों कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो एक शिष्य ने कहा श्रील प्रभुपाद क्योंकि गीता में कहा है। प्रभुपाद ने कहा गीता तो केवल ग्रंथ है। दूसरे शिष्य ने कहा क्योंकि श्रील प्रभुपाद आप कहते हो। प्रभुपाद ने कहा मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, कुछ कुछ बोलता रहूंगा। तो भक्त लोग एक दूसरे को देखे, बोले कृष्ण भगवान क्यों है, पता नहीं प्रभुपाद आप ही बताइए। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि जब हरिनाम लेते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, तो कृष्ण के नाम से हृदय में परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव होता है, उसका आप अनुभव करते हो, उसके आधार पर आप समझ सकते हो कृष्ण भगवान है। 2 साल बाद प्रभुपाद किसी एक दूसरे अपने इसमें गए मॉर्निंग वॉक पर फिलाडेल्फिया में, और अचानक मॉर्निंग वॉक पर प्रभुपाद ने पूछा वही प्रश्न, कृष्ण भगवान क्यों है। तो 2 साल पहले के मॉर्निंग वॉक पर एक व्यक्ति था जो आंसर सुन चुका था, उसको लगा मुझे पता है। तो प्रभुपाद ने पूछा कृष्ण भगवान क्यों है, उसका प्रभुपाद जी क्योंकि जब हम हरि नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, अनुभव करते हैं उसका परिवर्तन का, तब समझ सकते हैं उस अनुभव के आधार पर कि कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, क्योंकि गीता कहती है। तो इसलिए जब हम गुरु का आश्रय लें तो वो कोई एक व्यक्तिगत कपोल कल्पित धारणा नहीं, गुरु शास्त्र को पालन करते हैं, शास्त्र का अवलंबन साधुगण करते हैं, तो गुरु साधु शास्त्र। इसलिए अब सुग्रीव अपने गले पर सुंदर पीले पुष्पों का लता धारण करके तैयार थे। सुग्रीव ने कहा राम मैं जाऊं ना, राम ने कहा बिल्कुल जाओ, ललकारो वाली को, पक्का 100%। अब मेरे गले में यह हार है, अब तो पहचान लोगे ना, अब पिछले बार की पिटाई का दर्द अभी भी इतनी पीड़ा दे रहा था कि सुग्रीव सोचा एक लास्ट कंफर्मेशन ले लेता हूं। तो इसलिए वाले और सुग्रीव में अब अंतर क्या था, पिटाई तो सुग्रीव की भी हुई लेकिन पिटाई के पश्चात, भौतिक त्रिविध ताप की पिटाई के पश्चात जब जीव गुरु और वैष्णवों का आश्रय लेकर दीक्षा ग्रहण करके भगवान के समर्पित हो जाता है, तो भगवान ने वाले को तो मृत्यु दंड दिया लेकिन सुग्रीव को केवल मुष्टि दंड ही दिया। वाले के हाथों 2-4 पिटाई हुई बस, लेकिन बचा लिया। अब फिर गए सुग्रीव, जाकर वाले को चिल्लाते वाली निकल बाहर कायर कहीं के, तो पहले वाली विश्वास नहीं कर पाया, अभी तो इतनी भयंकर तरीके से पिटाई की, वो तो ऑर्थोपेडिक वार्ड से निकला कैसे। और तब वाले की पत्नी तारा उसको रोकती है, मत जाइए वाले को मिलने, मैं सुग्रीव को जानती हूं, वो कायर है, इतने आत्मविश्वास के साथ आपको ललकार रहा है मतलब उसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है। सुग्रीव किसी के ऊपर मित्रता नहीं करता, जब 100% किसी के ऊपर विश्वास हो तभी मित्रता करेगा। दूसरा, सुग्रीव के मित्रता के पीछे हमेशा उसका स्वार्थ जुड़ा रहता है, लगता है उसको कोई ऐसा मित्र मिल गया जो उसका स्वार्थ पूरा करेगा। हाँ देखिए, आप कृपा करके सुग्रीव के इस ललकार के पीछे मत भागिए,
सुग्रीव भी प्रतीक्षा कर रहा था कि अरे इतना जोर से चीख रहा हूँ, वाली बाहर ही नहीं निकल रहा। तो सुग्रीव ने अपना वॉल्यूम भी बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, कंटिन्यूस गालियां देने लगा। अब वाली से संभला नहीं गया, अब वाली अपनी पत्नी तारा को कहता है अब मैं इसको नियंत्रित नहीं कर सकता, मुझे आगे जाना ही होगा। लेकिन तारा उसको रोकती है और ये श्लोक कहती है, साधु क्रोधम इमं वीर नादिवेगम इवागतम शयनादुत्थित काल्यम त्यज भुक्ताम इव स्त्रजम। अरे कृपा करके आप क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति किसी पुराने हार को उठा के फेंकते हैं वैसे ही क्रोध को फेंक दीजिए। फिर आगे कहती है, काल्यमेतेन संग्रामम करिष्यसि च वानरात् वीराते शत्रुबाहुल्यान् फल्गुता वान विद्यते। अरे मेरे प्रिय पति, युद्ध करना है ठीक है, कल सुबह कर लेते हैं, अभी मत जाइए, अभी युद्ध करके आप न अपने सम्मान को बढ़ाओगे, न अपने शत्रु के प्रति सम्मान को बढ़ाने वाले हो, या आपकी दुर्बलता का कोई प्रमाण होने वाला है। देखिए मैंने ये भी सुना है क्या कि हमारे पुत्र अंगद बहुत महत्वपूर्ण समाचार लेके आए हैं, और समाचार ये है कि दशरथ नंदन राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में भ्रमण करते करते किष्किंधा तक आए, सुग्रीव का साथ दिया, रामचंद्र जी का बाण मन के वेग से भी तीव्र, क्रोध प्रलय की अग्नि से भी खतरनाक, और शक्ति इंद्र के वज्र से भी अधिक सामर्थ्यवान। लेकिन रामचंद्र ने केवल शक्तिमान है, वो कृपावान भी हैं, दयावान भी हैं। ऐसे शक्तिमान और दयावान प्रभु का आश्रय लीजिए हे वाली। 19वां श्लोक, निवास वृक्ष साधो नाम आपन्ना नाम परागति आर्तानाम संश्रयश्चैव यशश्चैकाब भाजनम। रामचंद्र एक ऐसे वृक्ष हैं जिनके आश्रय में नेक पुरुष आश्रय ग्रहण करते हैं, कठिनाई विपत्तियों में लोगों के लिए वो आश्रय हैं, जो आर्त पीड़ित हैं उनके लिए वो आश्रय हैं, वही वो आश्रय हैं जिनके आश्रय में हम सभी यश प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा वो कहती हैं। लेकिन वाली कहते हैं, देखो तारा तुम जो कह रहे हो ठीक है, सुग्रीव की भी उद्दंडता एक सीमा तक मैं सहन कर सकता था, लेकिन सुग्रीव मेरी शांति को शक्तिहीनता के रूप में स्वीकार करेगा, मुझे निकलना ही पड़ेगा। और जहां तक रामचंद्र की बात रही, वो धर्माचारी हैं, वो कभी पाप नहीं करेंगे और मेरे साथ उनका कोई संबंध नहीं, कभी मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे। तारा कहती है, अरे सुग्रीव अपने स्वभाव के विरोध में काम कर रहा है, राम ही उनकी शक्ति है, राम ही उनकी गति है, सुग्रीव की शक्ति को हल्का मत लो। वाली कहते हैं, तारा राम वैरागी हैं, अरे अयोध्या नगरी के सारे ऐश्वर्य और सुख त्याग चुके हैं, वो पक्षपात नहीं कर सकते, वो धर्मात्मा हैं, धूप बंदरों के बीच के युद्ध में
राम हस्ताक्षेप करेंगे क्या? मैं अकेला ही जाकर सुग्रीव को समाप्त कर दूंगा। वाले जाकर सुग्रीव को ललकारते हैं। सुग्रीव को जब ललकारते हैं तो सुग्रीव तो थर थर कांपने लगते हैं, पिटाई शुरू, और सुग्रीव सोचते हैं अरे बाप रे, पार्ट टू वापस हो गया क्या? तब अचानक सुग्रीव को ऐसे अपने भुजाओं में लेकर दबाने वाले थे, अचानक सुग्रीव ने अनुभव किया वाले के हाथ ठंडे पड़ गए, और देखते ही देखते वाली स्तब्ध होकर सुग्रीव के ऊपर अपने दोनों भुजाओं का शक्ति छोड़कर पीछे जाकर गिर पड़े, और वाली के छाती पर एक स्वर्णिम रंग का बाण था। वाली को विश्वास नहीं हुआ कि क्या देवताओं ने आक्रमण किया या शिवजी ने त्रिशूल चलाया। मेरा वक्षस्थल तो इतना कड़क कि पंच महाभूत को एकत्रित करके भी कोई अस्त्र बनाओ तो भेद नहीं सकता। मेरे वक्ष को, वक्षस्थल को भेदने वाला ऐसा कौन सा योद्धा है और कौन सा बाण है? ऐसा सोचकर अपने डूबते हुए जीवन का आभास करते हुए भी वाली ने जो उस स्वर्णिम बाण को निकाला, क्योंकि क्षत्रिय पुरुष हमेशा बाण पर अपना नाम लिखते थे, तो उस बाण पे नाम लिखा था राम। और राम का नाम देखकर भ्रमित हुए, और ये राम का बाण अगस्त ऋषि ने इंद्रदेव को दिया था। इंद्रदेव ने उसे स्वर्ग लोकों में उसका प्रयोग किया था, और फिर इंद्र ने उस बाण को फिर जो है आगे कई लोगों को देते हुए फिर सब ऋषि मुनिगणों ने रामचंद्र जी को पुनः लौटा के दिया था। इस प्रकार वही जो इंद्रदेव का बाण था जो अगस्त के पास था, अगस्त से राम को मिला था, वही राम का बाण इंद्र का ही ओरिजिनल बाण था, उनके पिता का ही बाण उनको लगा। वाली कहने लगे, अब तक मुझे लगा सूर्यवंश चंद्रवंश से निचला है, केवल चंद्रवंश के अंदर कलंक है, चंद्र के अंदर कलंक है, लेकिन आज सूर्य के अंदर भी मुझे कलंक दिख रहा है। हे राम, आपने अपने एक करतूत से कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों को विनाश कर दिया। भरत आपको अपने भाई के रूप में स्वीकार करने में लज्जित होगा, ऐसा पापी भाई निकले आप। दशरथ महाराज ने जीवन पर्यंत जो यज्ञ अनुष्ठान किए, सत्य के संकल्प करके अपना जीवन न्योच्छावर किया, उसको आपने तिरस्कृत कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। जैसे धुआं अग्नि को आवृत करता है, आपकी पुण्यता दुष्टता के द्वारा आवृत हो गई है। वनवास और वैराग्य का पुण्य का उपाधि लेकर आप घूम रहे हो, लेकिन इस धूर्त कार्य से यह स्पष्ट हो गया कि आप इतने पापी हो कि एक सामान्य मासूम वनवासी पशु का वध करने के लिए तैयार हो। दूसरों को उपदेश देते हुए घूमते हो राम, पाखंडी नंबर वन हो। अब यहां पर वर्णन आ रहा है श्लोक। तम दृष्ट्वा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलं अब्रवीत प्रश्रितं वाक्यं परुषं धर्म सम्मितं। सभूमाव अल्पते तोजस, सभूमाव अल्पते जोशु, निहतो नष्ट चेतना, अर्थसहिताय वाचा, अर्थसहितया वाचा, गर्वितं रणगर्वितं। रामचंद्र और लक्ष्मण को देखकर वाली
उन लोगों के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करते हुए दंभ शब्दों में इस तरह कहने लगे। अगला श्लोक, परोन्मुख वधम कृत्वा कोत्र प्राप्तस्त्वया गुणः यदहं युद्ध संरब्ध शरेण उरसी ताडित। हे राम, आप एक राजकुमार हो, उच्च कुल में जन्मे हो, प्रसिद्ध हो, शक्तिशाली हो, सुंदर हो, सद्गुण संपन्न हो, लेकिन मैं दूसरे के साथ युद्ध में जब जूझ रहा था तब क्यों मारा मुझे? फिर अचानक खांसी आई, थूकते हुए रक्त बाहर निकला। वाली कहते हैं, हे राम, सीता हरण के पश्चात लगता है आपकी मति भ्रष्ट हो गई, मदमत्त गज की भांति आप धर्माचार भूल चुके और निष्पाप व्यक्ति की हत्या जैसे सर्प सोते हुए को मारता है वैसे आपने मेरा वध किया। अरे रावण का क्रोध मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? मैं आपका शत्रु हूं क्या? सुग्रीव और मैं आपके लिए तो अपरिचित हैं, सुग्रीव के प्रति पक्षपात आप क्यों कर रहे हो? धर्म के गोपनीय तत्व हृदय में कितने काल से आप लेके घूम रहे हो, लेकिन गोपनीय बातें छुपाए हो जो हमारे प्रति अब प्रस्तुत कर रहे हो। दिखने में तो इतने सुंदर कि कोई चित्रकार कभी आपके सौंदर्य का वर्णन न कर सके, कभी वो पट पर उतार भी न सके, लेकिन चरित्र इतना कुरूप कि दूसरों को छुपकर पीड़ा देते हो। हे राम, आपकी आत्मा मर चुकी है, आपको अपने धनुष की शक्ति का इतना मद है कि अपने जघन्य सुख के लिए निष्पाप दुर्बल पशुओं की हत्या करते हुए जाते हो। आपका विनयशील स्वभाव है, लेकिन आप अंदर ही अंदर अधर्म के सबसे बड़ी पताका को लेके अधर्म का नारा ढिंडोरा पीट रहे हो। तो यहां पर वर्णन आ रहा है कि रामचंद्र जी ने वो बाण छोड़कर, पीछे से उसे छोड़कर वाली के शक्तिशाली देह को भेद दिया, क्योंकि अगर वो सामने खड़े होते तो फिर उस प्रभाव से, इंद्र के उस हार से 50% शक्ति जाने की संभावना थी। अगर वो शक्ति वाली के अंदर आ जाती रामचंद्र की, वो उसको सहन नहीं कर पाते, वैसे ही मर के समाप्त हो जाते, इसलिए पीछे से उन्होंने आक्रमण किया। तो अब 6 प्रश्न जो वाली ने पूछे। पहला प्रश्न क्या कि भाई आप मुझे क्यों मारे? न तो हमारा किसी संपत्ति के ऊपर विवाद है, न हम लोग भाई हैं जो पिता के संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। रामचंद्र कहते हम इक्ष्वाकु कुल के राजा हैं और आपने हमारी संपत्ति ले ली है, इसलिए मैंने वध किया। फिर वाली कहेंगे, अरे लेकिन आपको तो वनवास हो गया, आप कहाँ राजा रहे? राम ने कहा, भरत ने मुझे वन का देखभाल करने को कहा है, तो इसलिए कहा है वन में जो कुछ भी अधर्म हो उसको तुम देख लेना, डेलीगेट किया है। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो ये श्लोक आता है नेक्स्ट, ते वयम धर्म विभ्रष्टम स्वधर्मे परमे स्थितः भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णोमि यथाविधि। भरत ने आदेश किया कोई भी अधर्म पालन करे छोड़ना मत। दूसरा प्रश्न वाले पूछते हैं, हमारे एक दूसरे के प्रति कोई वैर नहीं था, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, क्यों मारा? तो राम कहते हैं, राजा किसी प्रजा को जाने न जाने, अगर वो गलत काम करे दंड देना उसका अधिकार बनता है। वाली का तीसरा प्रश्न, मैं पशु वानर तुम मनुष्य, तो जो हम मनुष्य योनि से निचले हैं, संबंध नहीं, अरे ऐसे अधर्म का आचरण करने वाले पशुओं की हत्या तुम क्यों की?
पशुओं की हत्या में मनुष्यों का क्या? रामचंद्र ने कहा, वाली मैं शिकारी बन के शिकार करने आया, तुम्हारा शिकार किया। मनुष्य पशुओं का शिकार करते ना, तू पशु है ना, मैं मनुष्य हूं ना, शिकार किया। तो वाली कहते हैं ठीक है, पीछे से क्यों किया? राम ने कहा शिकारी कहीं से भी कर सकता है, आगे से पीछे से कोई नियम नहीं है, शिकारी के लिए पीछे से भी ठीक है। तो वाली पूछते हैं शिकार करने आए तो बंदर का कौन सा भाग यूज का है? त्वचा हिरण का, शेर का शिकार करके जाते हैं, केश होते हैं तो किसी चूहे इत्यादि का, दांत और नाक होते नाखून होते हैं तो गजराज का, मांस होता है तो किसी सुअर इत्यादि का, तो बंदर का क्या मिलेगा मार के? रामचंद्र कहते हैं तुमने क्योंकि पाप किया, उस पाप का फल देने तुमको दंड दिया। वाली कहते हैं लेकिन मैंने कभी किसी ब्राह्मण या गो की हत्या नहीं की, तो इतना मेरे ऊपर अत्याचार क्यों? रामचंद्र कहते हैं जो अपने पुत्री बहन और भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे वो दंड के योग्य है, बिना तर्क के उसका वध किया जा सकता है। तब ये श्लोक कहते हैं तद व्यतीतस्य ते धर्मां कामवृत्तस्य वानर भ्रात्र भार्या भीमर्षेस्मिन् दंडोयम् प्रतिपादितः। ऐसा कहके इन उन्होंने कहा कि क्योंकि तुमने सुग्रीव की पत्नी रुमा को हस्तगत किया, इसलिए मैं आपको भरत महाराज की ओर से दंड देने आया। अब तब वाली हाथ जोड़कर कहता है प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ, और फिर भविष्य में चलकर कभी लोग सुग्रीव को कोई दोष न दे कि सुग्रीव मुझसे अपना राज्य ले लिया, क्योंकि मैं सुग्रीव का आभारी हूं कि मैंने उसको किष्किंधा राज्य दिया, लेकिन सुग्रीव निमित्त बना मुझे वैकुंठ का राम राज्य देने के लिए, इसलिए ये मेरा सौभाग्य बनता है। तो राम ने वाली को पीछे से क्यों मारा? इंद्र के उस हार को सम्मानित करने, दूसरा पापी को शुद्ध करने, क्योंकि सामने से आते तो वाली शायद आश्रय ले लेते तो फिर कंफ्यूज हो जाते क्या करना, वाली के प्रति सुग्रीव के प्रति अपने व्रत को पूर्ण करने कि मैं उनकी पत्नी को लौटाऊंगा, चौथा क्योंकि सामने से वो आते तो हो सकता है वाली देखकर रूमा को कहीं छुपा देते, तो रूमा नहीं मिलती तो फिर क्या होता वाली को मार के भी, चौथा अगर वाली को सामने से मारते तो हो सकता है तब तक वाली राम को देख के अपने हजारों वानरों को बुला लेते और बहुत बड़ा हाथापाई हो जाता, हजारों बंदरों की जान जाती। अब तब तारा भागे भागे आई और रामचंद्र को देखी और बुरा भला कहने लगी, लेकिन तब तक यहाँ पर वाली रामचंद्र को कहते हैं प्रभो मैंने आपके प्रति अपशब्द सुनाए, मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, धर्म बुद्धि और ज्ञान मुझे दे दिया, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आपको सीता ही चाहिए था तो मैं स्वयं जाके रावण को अपने पूंछ से पकड़ के लाता था, आपके सामने पटक देता, दो मिनट में खत्म। राम ने कहा भैया रावण सीता का हरण करने के कारण मेरा मृत्युदंड का पात्र बनेगा, तुमने रूमा का हरण किया और अगर तुमको मैं निमित्त बनाऊं तो फिर अलग अलग न्याय हो जाता, धर्माचरण कैसे होता है, इसलिए क्योंकि तुम पापी हो तुमको पाप का फल देके ही छोड़ूंगा। तो वाली राम का आश्रय नहीं ले सकते थे, इसलिए दूसरा वाली रावण के वध का क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, ऐसा नहीं कि राम को देना चाहते थे, खुद क्रेडिट लेना चाहते थे, निमित्त नहीं बनना चाहते थे। तो किसको अधिक कृपा मिली, सुग्रीव या वाली? सुग्रीव को तो केवल किष्किंधा राज्य मिला, लेकिन वाली को क्षण भर में भगवत धाम का साम्राज्य प्राप्त हो गया। तो तारा आकर कहती है मेरे और अंगद के लिए तो जीवन पर्यंत केवल दुख और कष्ट ही है, अब क्या करें, कृपा करके अंगद को
आशीर्वाद दीजिए। वाले अंगद को कहते हैं, बेटा राम की भक्ति करो, रामचंद्र मैं आपको अंगद हवाले करता हूँ, अपना ही पुत्र के रूप में स्वीकार करो। सुग्रीव को कहते हैं, किष्किंधा राज्य मैं आपको सौंपता हूँ, ये हार भी जो है आपको समर्पित करता हूँ, कृपा करके आप मेरे पुत्र अंगद को अपने पुत्र के रूप में देखिए। अंगद को कहते हैं, सुग्रीव जो कोई भी आदेश करें, कृपा करके हमेशा उस आदेश को अपने जीवन में उतारिए, कदापि किसी भी अवस्था में इन आदेशों को आप छोड़कर मत जाइए। इस प्रकार कहते हुए वाली रामचंद्र जी को देखते देखते रामचंद्र जी का ही मुख कमल को स्मरण करते हुए अंतिम क्षण बिताए और अपना देह त्याग दिए। जो राम नाम का बाण वाली को भेज चुका था, वो बाण अपने आप अकेले निकला और स्वयं ही जाकर पंपा सरोवर में अपने आप को धो लिया और बाण वापस राम के तरकस में आ गया, मिशन पूरा हो गया। तो इस प्रकार वाले का वध हुआ। वाली और सुग्रीव के जीवन से हम क्या क्या शिक्षाएं ले सकते हैं, और वाली के वध के पश्चात सुग्रीव को प्रभु रामचंद्र जी ने क्या सेवा दी, और तत्पश्चात सीता देवी को खोजने में ये संपूर्ण वानर सेना कहाँ तक पहुँची और कैसे समुद्र के तट तक वो लोग पहुँचे, इसके विषय में किष्किंधा कांड के तीसरे सत्र में, अभी हम लोगों ने दो सत्र कर लिया, और किष्किंधा कांड को आगे बढ़ाते हुए रोमांचक हनुमान जी की लीलाएं आज से आरंभ होंगी और कल होगा सुंदर कांड, जब बजरंगबली हनुमान जी का हम गुणगान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।